सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। स्मोकिंग कॉसेस कैंसर, स्मोकिंग किल्स। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। लिकर ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ए, अपना होमवर्क कर ले, कब से नाटक कर रहा है? ए, अपना काम कर। आर्टू टेक्स 24 आवाज। अरे 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 छोटू, क्या इतनी आवाज क्यों आ रही है? ए, इस साउंड से मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। होमवर्क कर लिया? कर लिया पिताजी। दिखा। गुड। ए बाजी, तूने? मैंने भी कर लिया पिताजी। तू अभी से मुझसे झूठ बोल रहा है? कहाँ किया? मैंने तो कर लिया था, पर कब से तुझे कह रहा हूँ अपना होमवर्क कर ले, करता क्यों नहीं है? तू चुप कर, तू अपना होमवर्क कम्प्लीट कर, मुझसे ही झूठ बोलते हैं। ये ले लो बेटा। देखो ना माँ, इसने मुझे पिताजी से डांट खिलवाया। ये गलत बात है छोटू, आइंदा से ऐसा नहीं करेगा। बच्ची ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया साहब जी, इसको आपके रूम में ले जाऊं? नो नो। ए, एक बार अपना कैमरा देना। मैं नहीं दूंगी। एक ही बार देना। कहा मैं नहीं दूंगी? तेरी तो। ए, मेरा कैमरा छोड़ो, मेरा कैमरा दे दो मुझे। क्या हो गया बेटा, तुम कैसे गिर गए? अरे क्या हुआ बेटी? अरे देखिए ना, कैसे कैसे चोट लग गई। ये लो, इसके घाव पे बैंडेज लगाओ। अंकल मेरा कैमरा। ये गधे के बच्चे, कैमरा लेके इधर आ। अभी ठीक है ना? पागल कहीं का। दवा लगा दे, जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब दर्द नहीं हो रहा है ना? जल्दी से ठीक हो जाएगा। मेरी हार्ट बीट तो तुम ही हो बेटा, हरदम अच्छी रहेगी, ठीक है ना? आओ जल्दी से सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना? माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, माँ कोई लोरी सुनाओ ना। Okay.
ये गाना तुम जब भी गाती हो एकदम नया लगता है ममता। हाँ साहब जी, माँ के साथ गाना गाते गाते ये बहुत अच्छा गाने लगी है। पापा मैं अच्छा गाना गाती हूँ या मम्मी अच्छा गाती है? तुम्हारी माँ बहुत अच्छा गाती है, लेकिन जब तुम गाती हो ना तो एकदम सुपर। थैंक यू पिताजी। हाँ जी, युक्ता की बहुत अच्छी आवाज है, एक दिन बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। माँ मैं तो बड़ी सिंगर बनूंगी ही, लेकिन आप भी बहुत अच्छा गाती हो माँ। आ जाओ बेटा। काफी दिन हो गए, लेकिन फिर भी ये उसे याद करके हमेशा रोती ही रहती। रोने तो धीरे धीरे उसकी यादें कम होती चली जाएंगी, अभी इस बच्ची की परिस्थिति अलग है। ये पूरा खत्म करो। हाय चंद्रा। हाय युक्ता। हाय युक्ता, आओ बेटा, चोट ठीक हो गई ना? हाँ पूरा ठीक हो गया है। आओ आओ, तुम भी नाश्ता करो, यहाँ बैठ जाओ। क्या हुआ बेटा? मम्मी की याद आ रही है आंटी। मैं हूं ना तुम्हारे पास। जिंदा नहीं रह सकता, मैं कूद कर मर जाऊंगा। मैं कूदूंगा, वो नीचे आ जाएगा तब उससे बात कर लेना, ऊपर जाके कैसे बात करोगी? तुझे तो पागल पट्टी में पीएचडी की सर्टिफिकेट मिलेगी। मैं कूद रहा हूँ। अबे तुझे बचाएगा कौन? ए चंद्रा, तुम मेरे पास बता प्लीज, तू मुझसे दूर रह, मैं कह रहा हूँ मेरे पास बता। मैं तुझे रोकने के लिए नहीं आया, बल्कि धक्का देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं तेरा इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुझे डर लग रहा है तो बोल, मैं अभी तुझे पीछे से धक्का मारता हूँ। अभी मैं गिर जाता वो बाद में देखेंगे। ऐश्वर्या से पहचान होने से पहले तू अपनी पर्स निकालने के लिए 10 बार सोचता था, लेकिन अभी उसका बिल भरने के लिए तू अपनी बाइक बेचकर उसका उधार चुकाता है, और उसके बर्थडे के लिए अपनी माँ की चैन गिरवी रखकर उसको आईपैड गिफ्ट में देता है। वाह वाह, बहुत बड़ा मजनू है तू तो। तुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ ना, इसलिए तू मुझे इतना प्रवचन दे रहा है। अबे चप्पल से मारूंगा तुझे, इसको प्यार बोला तो? अपने प्यार के लिए कोई अपनी खुद की बाइक और माँ की चैन गिरवी रखता है क्या? अबे ऐसे झूठे प्यार के चक्कर में तूने अपने आप को कितना नीचे गिरा दिया पता है? अबे जरा देख अपने आप को, तुझ जैसे को तो मरना ही चाहिए। चल कूद जा। अबे वो देख सामने ऐश्वर्या आ रही है यार। अबे इसकी भैंस की टांग, अबे इसका थोबड़ा तो देख, थोबड़े पे डांबर डालने का मन कर रहा है। तूने इसको जो बर्थडे गिफ्ट दिया था ना आईपैड, उससे तेरा डेथ वीडियो शूट कर रही है। देख मैं मर जाऊंगा तो वो सेलिब्रिटी बन जाएगी भाई। हाँ बना दे। ऐश्वर्या जैसी वायरस 10 लड़कों की जिंदगी बर्बाद ना करे, उसके लिए तुझ जैसे एंटीवायरस का मरना बहुत जरूरी है। बस इतना ही क्या? मैं तेरे पे इतना पैसा खर्चा करता हूँ, तू मेरे लिए क्या करेगी? हाँ टाइम पास के लिए 4 बातें करूंगी और साथ में कॉफी पीऊंगी। अच्छा कॉफी पीने के लिए सिर्फ तू ही है क्या? मेरे दोस्त नहीं है मेरे पास? तेरी रिंगटोन ने मेरी आंखें खोल दी भाई। क्या हुआ भाई? अगर कुत्ते से प्यार करे तो वो बिना धोखा दिए हमारे साथ घूमता है, मगर एक लड़की से प्यार करेंगे तो अपन कुत्ता बनकर उसके पीछे पीछे घूमते रहते। थैंक्स यार, तुझे रियलाइज हो गया। चल
फंक्शन का टाइम हो गया, धमाल मचाएंगे। यस। सॉन्ग को इतना रिस्पांस मिलेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकता था यार। ए, 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 ये क्या तुम सब लोग मिलके एक्सपोज कर रहे हो? ये देख के मुझे उल्टी आ रही है। तू हमें यहाँ ये बताने आई है? हम जानते हैं, तू जा। तेरी तो चल शो का टाइम हो गया, जल्दी आ जाओ नीचे। Now let's invite Yuktha and team onto the stage. हाँ मैं दूरा था, मिलकर पूरा था, दिल जो तुमसे अब यूं जुड़ा है। ये इश्क नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान। जो रातें थी वो बातें थी, उन सपनों को खो दूंगा मैं। हाँ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इसे, कौन है ये लड़की? न्यू एडमिशन है हमारी क्लास में थे। इसे मैंने कभी देखा नहीं। तू कभी क्लास में बैठता है क्या? नाउ मिस श्वेता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाय, आई एम चंद्रा।
आपका गाना बहुत सुपर था। गाना? मेरा पार्ट कोरस का था। आपकी वॉइस के साथ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर सुपर। नाउ ऑनवर्ड्स आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। अगर मेरी गेसिंग सही हो तो ये कंपटीशन में प्राइज आपको ही मिलेगा। सो एडवांस में कांग्रेट्स। इट्स टू मच, अब जाओ यहाँ से। कोरस को कब से अवार्ड मिलने लगा बे? नंबर ले ले। जुलानी एंड खून में सबका एक ही रंग, शाम सवेरा सब क्या है? आपका पूरा नाम क्या है? वो किस लिए? कुछ नहीं सर, नेक्स्ट मंथ हमारे कॉलेज में म्यूजिक हॉल ओपन करना है ना, तो आप जैसे फेमस म्यूजिक डायरेक्टर हमारे कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट है, ये हमारी किस्मत है, इसलिए उससे आपका नाम देने के लिए। एक्चुअल में मेरा नाम झलकुल जनार्दन है। ओह, थोड़ा स्टाइलिश होने के लिए उसमें से दो वर्ड कम कर दिया, झलक जनार्दन कर। वाह सुपर्ब, अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा है सर, तो वही रख देना। श्योर सर। बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड किसको दे रहे हैं सर? बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड किसको दूंगा? टैलेंट को। तुमने बहुत अच्छा गाया, इस साल तुमको ही देता हूं। थैंक यू सर। सर आपको हमारे कॉलेज में लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां फॉलो करती हैं सर। एक्चुअली मेरे सिंगर्स भी मुझे महेश बाबू बुलाते। बराबर सुना नहीं होगा, चंपोनी से बाबू बोलते होंगे। क्या बोला बे? कुछ नहीं सर। सर बेस्ट फीमेल सिंगर कौन है सर? बेस्ट फीमेल सिंगर ये लड़की कौन है? बहुत अच्छी दिख रही है। ओके सर। सर बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल सिंगर कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग सिंगर, बेस्ट एक्टर सुना है, बेस्ट एक्ट्रेस सुना है, बेस्ट सपोर्टिंग सिंगर का क्या मतलब? मतलब कोरस। कोरस? कोरस। नहीं लग रही है, ट्राई करता हूँ। द बेस्ट मेल सिंगर अवार्ड गोज टू मिस्टर चंद्रा। बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड गोज टू मिस श्वेता। थैंक यू सर। एक काम की बात, जितना मुख्य मेन सिंगर होता है कोरस भी उतना ही मुख्य होता है, इसलिए इस साल से मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोरस सिंगर को भी अवार्ड देने का फैसला किया है। मिस युक्ता प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये कार्ड संभाल कर। ओके नाइस। बाय एकता। बाय। मैंने कहा था ना कि आप ही डेफिनेटली प्राइज जीतेंगी। माय गेसिंग इज करेक्ट, यू गॉट टैलेंट। तुमने इसके लिए म्यूजिक डायरेक्टर को कैसे मैनेज किया? कम ऑन, मैं एक म्यूजिक एल्बम शुरू करना चाहता हूँ, फीमेल लीड के लिए एक लड़की खोज रहा हूँ, आपको कैसे अप्रोच करूँ ये सोचकर इस तरह। क्या कहा? कोरस को लीड सिंगर बना दोगे, वो भी तुम? या कॉलेज के पीछे ना हमारा म्यूजिक स्टेशन है, आप बस कल वहाँ पे आ जाइए, आपके अंदर कितना टैलेंट है ये मैं प्रूव करूंगा। ओके आप आ रही है ना? देखती हूँ। यस। ए, ए, वो लड़की तुझसे सिर्फ पहली बार मिली है, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे एंगेजमेंट हो गई हो। सीडी खरीदने का पैसा नहीं है, एल्बम बनाने की बात कर। बना लूंगा मैं, म्यूजिक एल्बम के नाम से उसके पास पहुंच जाऊंगा। अरे रे रे रे, तूने ही तो मुझसे बोला था ना कि लव के चक्कर में पड़ेगा तो तेरी लाइफ सत्यानाश हो जाएगी, अब तू क्या कर रहा है? अबे वो तो तेरे लिए। ए, तू हरभजन सिंह की तरह इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन मैं धोनी की तरह मिस्टर कूल हूँ। मैं सिंसियरली प्यार करूंगा लेकिन माइंड पहले से प्रिपेयर करूंगा, लव में अगर फेल हुआ तो नो हार्ट ब्रेक्स नो सुसाइड्स। तेरी वजह से ऐश्वर्या चली गई। अब वो सब तो ठीक है, अब तू इस लड़की को कैसे पटाएगा? गाना गाने के लिए सिर्फ गले की जरूरत नहीं होती भाई, एल्बम बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आएगा? उसको खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कितना चाहिए बोल? सेकंड हैंड में भी लेंगे ना तो 50,000। उतनी जरूरत नहीं है, 40 में मिल जाएगा। टीवी एडवर्टाइजमेंट में एक्सप्रे डालने से लड़की आ जाती है, उसी तरह हमारी जरूरत पर आप आए हो सर। तेरा कंपैरिजन बहुत बुरा है। ओह सॉरी, तो आप क्यों कम में दे रहे हो? पुराने सामान का क्या करते हैं? स्क्रैप में बेचते हैं ना, ये भी वैसा ही है। काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। ओ बाय द वे, मुझे इस फील्ड में 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं एल्बम में गाना भी गा दूंगा। 20 साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पुराना तो आपकी नजर में स्क्रैप ही होगा। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स काम के हैं तो आप भी काम के ही होंगे, मैं चला लूंगा। कल स्टूडियो आ जाना। थैंक्स।
ये गधे, कॉलेज का टाइम हो गया, उठ जा। कुंभकर्ण की तरह सोता रहता है, इसको एक नौकर चाहिए उठाने के लिए। इससे अच्छा तो हम ही कॉलेज चले जाए। ए छोटू, उठना। इसको मेरी बात सुनाई नहीं देगी। जब तक इस गधे को दो चार गाली नहीं पड़ेगी तब तक खाना हजम नहीं होगा। मेरी बात समझ में नहीं आती इसको। अरे चल आजा जल्दी मंदिर जाने। माँ, हम कोई बच्चे नहीं है जो बार बार मंदिर जाएंगे। चलो बचपन में डांट लिया, लेकिन बड़े बेटे को गधा और कोई काम का नहीं है बोलना, ये सब शोभा देता है क्या? भैया से पूछ लो चाहिए तो। ए, तू अपने पिताजी के बारे में ऐसी बातें करता है? तो बोलो ना, बेटे को बार बार डांटते क्यों हो? आई डोंट लाइक दिस। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 40,000, यहाँ से 5,000 निकालने हैं। सोच बेटा, कुछ तो सोच। भाभी, भाभी। मेरा बात है, हाथ मत लगाना मुझे। जानता हूँ भाभी, अब तक तो मैंने अपना मुंह भी नहीं धोया, अगर मैं छूऊंगा तो आपका व्रत टूट जाएगा। कितने पैसे चाहिए तुझे? अर्जेंटली 5,000 रुपए चाहिए। नहीं दूंगी, पहले का भी उधार तूने वापस नहीं किया है मुझे। व्रत तोड़ने वाली ऑर्डिनरी भक्त तो आप होने, ये मैं जानता हूँ। पिताजी इसको देखिए, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। रिक्वेस्ट आर नॉट एक्सेप्टेड। मैं कहते हैं मुझे हाथ मत लगाना, मुझे दूर रहो। अभी छूऊंगा, अभी छूऊंगा। पिताजी देखिए इसको। ए, जब तक मैं जिंदा हूँ तू फालतू का किसी से पैसा नहीं ले सकता। फालतू में नहीं पापा, मैं ओरेकल सीखना चाहता हूँ। तेरी पढ़ाई एक मिरेकल है, उसके लिए कम खर्चा हो रहा है क्या? मेरी जॉब फिक्स होने के बाद मैं आपका पैसा वापस दे दूंगा, समझे? तो अगर भाजी वाला बोलेगा कि मैं पैसा डबल दूंगा तो उसकी बात को मैं आसानी से मान लूंगा, लेकिन तुझे दिया हुआ पैसा वापस आएगा मैं मान ही नहीं सकता। ये क्या जी, कोई बेटे से ऐसे बात कर रहा है? ये बेटा नहीं है, ये मगरमच्छ है। मेरा जन्म होने के बाद ही ये सब आपने कमाया ना? तेरे पैदा होते ही मैंने बीपी कमाया, इसने शुगर कमाया, और पता नहीं कौन कौन सा रोग हो जाएगा। ए चंदू, अब तुझे पैसे क्यों चाहिए? फिर से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट खरीदना चाहता क्या? पिताजी को मालूम चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे आपकी कसम भैया, प्रॉमिस, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नहीं, इंस्टीट्यूट के लिए। रुपए की वैल्यू समझकर खर्चा करेगा ना तो ये रख ले। करेक्ट भैया, रुपए की वैल्यू हर रोज कम होती जा रही है, इसलिए जल्दी खर्च कर लो। नमस्ते। नमस्ते, कैश लाए ना? इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे क्या? वाव, कमाल है सच में। ओ, 5,000 रुपीस कैश। इंस्टॉलमेंट में थोड़ी दे रहा हूँ। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ, इंस्टॉलमेंट में मत दीजिए। हमारी एल्बम में गाना गाने के लिए यह एडवांस। सामान का पैसा कब दोगे? दे दूंगा। आपके जो पार्ट हैं वो सब हाई पिच हैं, आप गा लोगे ना? ट्यून बताओ। बॉयज पेक्यूलर वॉइस, इस तरह गाना गाओगे तो लोग पागल होते चले जाएंगे। पर्टिक्यूलरली टंटाना, ये ऊपर जाके नीचे आया था ना, ये सुपर्ब था। तेरा सेंस तो बहुत अच्छा है, यहाँ क्या कर रहा है? ए, सिर्फ म्यूजिक सेंस नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी ज्यादा हो गया। मेरा बाकी का पैसा? हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन टैलेंट है। वो तो मेरे पास भी है लेकिन मौका नहीं मिला। तो तू देगा? तो आपको इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए ना। वो किस लिए? आपका टैलेंट बाहर दिखाने के लिए, समझ गए ना? हमारे बैंड का नाम क्रेजी। ये हाय हाय, हम स्टार्ट करें? या ओके, मैं एक ट्यून गाऊंगा, तुम ट्राई करना। सा मरे सा रे सा नी सा सा मरे सा। बोलो। सा मरे सा रे सा नी सा सा मरे सा। गुड। पानी पा मा पा पानी मा पा पा सा नी मा। नो। पानी मा पा पानी मा पा है।
तुम्हें क्या लगता है ये पैसे लेकर तालियां बजा रहे हैं क्या? ये तुम्हारा टैलेंट है। थैंक यू। मैंने तो तुमको नल्ला समझा था, लेकिन तुम तो टैलेंटेड हो भाई। आज जैसे तुमने गाया है ना, वो तो कॉलेज की दीवार में दब गई। तुम लोगों को प्रमोट करने के लिए कोई प्रमोटर होना चाहिए। सर, अपना म्यूजिक डायरेक्टर हमारी कोई मदद करेगा क्या? तू साड़ी पहनेगा क्या? वो लड़कियों को मौका देता है और लड़कों को भगा देता है। मैं उसके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे में बदलाव देखा क्या? किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है सर। मैं तेरी हेल्प करना चाह रहा हूँ, तू मुझ पे जोक मार रहा है। सॉरी सर। ठीक है, ये सब छोड़। एक बॉबी नाम का आदमी है, उसने नई नई ऑडियो कंपनी शुरू की है, तो उससे जाके मिल, तेरा काम हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके। बॉबी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए बॉबी भाई को देख के लगता है टैलेंट को टॉस उड़ा के चेक करते होंगे। आदमी हूँ, आदमी से प्यार। अरे राजा, हाय सर, तुझे भी ऐसी बॉडी बनानी चाहिए ना। इसके लिए तो रोज सुबह उठना पड़ेगा, तब जाकर ऐसी बॉडी बनेगी। मेरे पास टाइम किधर है? और तो से राज हिल जाता है। मुझे तो लगता है मेल टू मेल कमिटमेंट ज्यादा बेटर होता है। अरे रुको ना, पब्लिक वेट कर रही है, अपॉइंटमेंट लिया है। कितने लोग हैं? 4 लड़के, 1 औरत। ये फिगर्स और सिग्नेचर से मैं बहुत नफरत करता हूँ। उस लड़की को भगा दो और उन लड़कों का अंदर भेज दो ना। एक ब्लू टी शर्ट वाला, उनमें अच्छा दिख रहा है। वाह, ब्लू वाला। कमिटमेंट तो करेगा ना? देखने में तो कमिटमेंट वाला ही लग रहा है। ऐसा क्या? ब्लू वाले को भेजो। वेट, और उस औरत को भगा देना प्लीज। हेलो, एमडी साहब बुला रहे हैं। हेलो, लेडीज फर्स्ट। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छी। इसको देखने के बाद तो बॉबी बोल्ड हो जाएगा, ये पक्का। I'm going down, naughty. Good morning sir. Sir, आपके सर्कल में मुझे काम मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार मौका तो दीजिए सर, एक चांस तो दीजिए सर। मैं हमेशा आपके टच में रहूंगी। एक बार टच में आ जाऊंगी तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो एक्स्ट्रा टैलेंट दिखा रही हो। लड़कियों को गुड़िया की तरह होने चाहिए। अरे भी गुड़िया की तरह नहीं। गेट आउट यू डर्टी वुमन, गेट आउट। टेक दिस बैग। ये कोई आदमी है? मुझे तो इसके ऊपर डर हो रहा है। लड़की से बॉबी नहीं झुका तो सच में बॉबी टफ गाय है यार। आप लोग अंदर आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एक नया म्यूजिक एल्बम बनाना चाहते हैं, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए सर। देखो मिस्टर ब्लू बॉय, इस फील्ड में सिर्फ टैलेंट से कोई फायदा नहीं होता, थोड़ा कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। करेक्ट बोला सर, मेरा भाई भी सबके लिए। या मैं भी यही चाहता हूँ, सिर्फ तुम मुझे चलोगे, बाकी सब नॉट रिक्वायर्ड। ये कभी किसी बात को ना नहीं करता सर। तुम्हारा फैशन सेंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करोगे ना? अरे अब जरा भी डाउट मत करना सर। अगर एक बार इसने कमिटमेंट कर दिया ना, ने तक नहीं सोचेगा। रियली? यस सर। तुम जरा भी नहीं सोचोगे? नो सर। मुझे सिर्फ यही सुनना था, तुम बहुत ऊपर जाओगे। सर ये हमारी ट्यून है सर, आप सुनकर कैसे ये बता दीजिए। ओके श्योर, मैं आपके कॉल का वेट करूंगा सर। आई विल। बाय सर। बाय 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 सर। गुड मॉर्निंग अंकल। हे, गुड मॉर्निंग आशीष। सिट। या श्योर। बाय द वे, कैसी चल रही कंपनी? नाइस अंकल, अभी अभी बस एक एमएनसी से टाइप हुआ है। ओह, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सो मच अंकल। अंकल युक्ता घर पर नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना। युक्ता डैड, देखो तुम्हें आशीष मिलने आया है। हाय युक्ता। हाय आशीष, आई एम सॉरी मुझे लेट हो रहा है। बाय। अरे युक्ता। बाय डैड। अरे आशीष तुमसे मिलने आया है, बात तो कर लो। डैडी मैंने आपको बताया था ना, चंद्रा मुझे लेके म्यूजिक एल्बम बना रहा है, मैं उसमें लीड सिंगर। ओह गुड, तुम बिल्कुल माँ की तरह गाती हो। उनका साथ तो मेरे साथ हर दम है। ये चंद्रा कौन है? चंद्रा मेरा क्लासमेट है, वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट। उसके साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ऊप्स, मैं लेट हो रही हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय आशीष। बाय बाय। नोट्स की तरफ देखो। हाय गाइस। हाय। गुड मॉर्निंग। हाय। ये क्या, सब लोगों ने टीका लगाया है? एनीथिंग स्पेशल? बॉबी का फोन आ जाए इसलिए हम सब मंदिर में जाके आए हैं। बॉबी जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। बॉबी,
बॉबी सर, बॉबी सर, बॉबी सर का फोन आया। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग चंद्रा, आई नीड अ फेवर। सिर्फ तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो क्या? तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ में रहते हैं ना, तो तुम पर फोकस नहीं कर पाता। श्योर सर। थैंक यू। हे बॉबी सर ने सिर्फ मुझे बुलाया है। चंद्रा अभी तक आया नहीं यार। एग्रीमेंट पेपर साइन कर रहा होगा यार। बॉबी सर की वजह से हम सबका सपना पूरा हो जाएगा यार। ए, ये देख चंद्रा तो आ रहा है यार। अरे आ गया वो। इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है? सक्सेस हो गया ना यार। मुझे पता था, बॉबी सर को पहली बार देखते ही मैं समझ गया था वही राइट पर्सन है यार। अरे वो गलत आदमी है यार। वो राइट पर्सन नहीं है, टोटली रॉन्ग पर्सन है। अरे यार तू इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? बॉबी को सेटिस्फाइड किया ना? अरे उसको सेटिस्फाई करने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं है। तो फिर एक्सक्यूज मी, बॉबी सर हैं क्या? अंदर है। हाय सर। हाय चंद्रा, मैं कब से वेट कर रहा था, बैठा ना। हाय सर। सर आपने ट्यून सुनी थी? इतनी जल्दी भी क्या है चंद्रा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कूल हो जाओ। सर ये मेरा हाथ है। ऐसा है क्या? तुम्हारी ट्यून सुनी मैंने, बहुत अच्छी लगी। लेकिन सिंगर बनने के लिए सिर्फ ट्यून से ही काम नहीं चलता ना। सर मैं लिरिक्स भी लिखता हूँ सर। तुम एक्चुअल पॉइंट कैच नहीं कर रहे, इसलिए सारी बातों को मैं पहले से ही ओपन करना चाहता हूँ। ओपन। चंद्रा ये ट्यून्स तो बाकी ट्यून्स की तरह ही हैं। कौन सी ट्यून सर? अरे वही यार, वो जो लड़कियों के बारे में लिखी है, वो सबसे मिलता जुलता है, उसे चेंज करो यार। सर लेकिन कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ ना, नया कॉन्सेप्ट देता हूँ ना। देखो चंद्रा, इस दुनिया में मर्द कितने ज्यादा हैं, फिर भी कोई मर्द की सुंदरता के बारे में क्यों नहीं लिखता? लड़कियों में क्या रखा है? आर्टिफिशियल ब्यूटीज, फेस पर फेयर एंड लवली लगाती हैं और लिप्स पर लिपस्टिक लगाती हैं और चिंपैंजी की तरह घूमती रहती हैं। लेकिन हमारे मर्द, उनमें नेचुरल ब्यूटी है, उनकी स्टाइल में सेक्स अपील है। इसलिए मर्दों की तारीफ करो, बहुत अच्छी मेलोडी ट्यून बनाएंगे मिलके, एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। वो लड़की से नहीं झुकता लेकिन लड़के से झुकता है। वो कोई टफ गाय नहीं है, टफ गे है। अबे तलिंदर, तो तू उस टाइप का है क्या? मैं किसी भी टाइप का हूँ पर प्यार होना चाहिए। तुम इतने दूर क्यों खड़े हो मेरे पास? ए भाई मैं सोच कर भी ये नहीं कर सकता। अरे सोचना क्या है, बस करना है राजा। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हें खाना चाहता हूँ, कम माई बॉय। अबे मैं वैसा लड़का नहीं हूँ यार। इसलिए तो तेरा शिकार करना चाहता हूँ मेरे राजा। तू तो इतनी सी बात नहीं समझती बेटा। बनाने के लिए तुम्हें गिरवी रखना चाहता है बॉबी? ऐसा मौका हम लोगों को बार बार नहीं मिलेगा यार, एक बार सोच के तो देखना। अभी जिंदगी में मदद मांगने के लिए मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। अगर एक बार एक्सीडेंट हो गया तो दोबारा लाइफ में कभी ट्रैवल नहीं करूंगा, ये बात तो गलत है ना चंद्रा? इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। जस्ट फॉर अ चेंज कल मेरे घर पे प्रैक्टिस करते हैं। Thank you, Ashish. A beautiful rose for a beautiful girl. Wow, it's nice. Thank you.
One second, Chandra. Huh. This must be your crazy team, right? No. This is our crazy team. Of course. You must be Chandra, right? Yeah. Nice to meet you. Just kidding. Right. Yuktha, tumhare bare mein kafi tareefe karti hai. Yuktha, just a minute. Yeah, please. म्यूजिक से तू उसको पा नहीं सकता है, दूसरी कोई ट्रिक्स इस पर चलने वाली नहीं है। उसको देख कैसे इंप्रेस कर रहा है। मुझे इसका हाव भाव देख के लग रहा है ये होंचू एक ना एक दिन युक्ता को आई लव यू जरूर बोलेगा। भाई संभल गए, तेरा टाइम फेयर चल रहा है, युक्ता उसकी होने वाली है। तूने अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। जादू जरूरी कुछ बा रूपवा सनो नने, जादू जरूरी कुछ बा रूपवा सनो नने हो उड़ानी के कोना में दिलावा पानी के तुले गईलू हो ए सोना उड़ानी के को कार्टून फिल्में देखनी चाहिए बेटा। आपको हॉरर फिल्मों से डर लगता है अंकल? मैं क्यों डरूंगा, रात को 12 बजे भी अगर शमशान में बैठने बोलो तो मैं बैठ जाऊंगा। आजा पास आजा, डरना नहीं है। अभी जो सीन आएगा ना बहुत ही अच्छा है। Shamed me. साउंड की वजह से। साउंड के लिए तो कान बंद करते हैं, आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? तुम्हारे इस लॉजिक का मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तुम देखो हाँ, मैं जाता हूँ। ये क्या है बे? लव लेटर। मैंने इसमें अपनी फीलिंग्स लिखी हैं युक्ता को बताने के लिए। कालिदास के जाने के बाद तू दूसरा कालिदास पैदा हुआ है। बहुत अच्छा लिखा है तूने, जा उसको दे दे। मैं दूं? हाँ भाई। तू देना यार। सॉरी। अरे तू अब तुझे भूख लगेगी और मैं पिज्जा खाऊंगा तो तेरी भूख मिटेगी क्या? तुझे प्यास लगी है, अगर ये पेप्सी पिएगा तो तेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? मरूंगी अभी, कुछ भी लॉजिक देता है। इसीलिए तो इस पागल लड़के से कोई भी लड़की नहीं पटने वाली है। इसे मुझे दे, मैं दे दूंगी। थैंक्स यार। हाय युक्ता। हाय। ये क्या है? चंद्रा ने दिया है। जब से मैंने तुम्हें देखा है एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि ये अपने गुस्से में मुझे जला देगी। अबे ऐसा लग रहा है वो खुद जल गई है। नहीं समझा ना? प्यार कोयले की तरह होता है, आग लगने से पहले वो बहुत ठंडा दिखता है लेकिन जैसे ही आग लगती है ज्वालामुखी बन जाता है। चंद्रा कहाँ है? भाग मिल्खा भाग। चंद्रा पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ना, पीछे मौत है। यस।
क्या है ये? ये क्या है? तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है क्या? तुम्हारे साथ जरा सा घूम क्या लिया? तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगे? तुम क्या बोल रही हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डोंट एक्ट टू स्मार्ट। ये क्या है, लव लेटर? लव लेटर? ओ अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई लव लेटर नहीं है, लिरिक्स लेटर। उप्स, लिरिक्स पेपर है। What? समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने बोला था ना कि हमारी एल्बम में हर सॉन्ग की कॉन्सेप्ट यूनिक होनी चाहिए। ये इस सॉन्ग का कॉन्सेप्ट है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और वो अपनी सारी फीलिंग्स लव लेटर के थ्रू बता देता है। मैंने उसे सॉन्ग में कंपोज करने के लिए ये लिरिक्स लिखा था और वो तुम्हें दिखाने के लिए भेज दिया, बस इतना ही। ये समझी या नहीं? ये क्या, तुम अब तक शक कर रही हो? ये लड़कियां सब ऐसी क्यों होती है? लड़कों पर शक करना तुम्हारी आदत होती है क्या? ये लव लेटर, ये लिरिक्स पेपर दे दो, लाओ। ओह माय डियर, जब से तुझको फर्स्ट टाइम देखा, देखते ही दिल हुआ घायल, ये है फीलिंग, क्या करूं कि तू भी माने। ओह माय डियर, चंद्रा, मैंने तुम्हें गलत समझा। It's okay. मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। इतनी आसानी से नहीं पटेगी, अगर वो वापस मुड़ गई ना तो पट जाएगी। तेरे को लगता है वो मुड़ेगी? वो मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, वो मुड़ रही है। नहीं मुड़ेगी, अरे वो मुड़ रही है। नहीं मुड़ेगी बोला ना। किशोर,
क्या नाश हो गया समझ। चल अब देख लिया ना। कमान कमान अबे इस तरफ देखना यार। अभी तक क्यों नहीं आया? हे चंद्रा, मुझे अर्जेंटली सिनेमैक्स जाना है, ड्रॉप करना प्लीज। ए उधर 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 ना, ऑटो में जा या बस में जा, युक्ता के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। इतनी चर्बी चढ़ गई? उस दिन मैंने तेरी हेल्प की थी ना लव लेटर देने में, तू इतना सा हेल्प नहीं कर सकता प्लीज चंद्रा। दूर हट, लव लेटर तूने अपने पनौती हाथ से दिया था ना, मेरे लव की तो पूरी वाट लग जाती। चल उधर निकल यहाँ से। तू डर के मारे कांप रहा था, मैं तुझ पे रैंप खा के तेरा लव लेटर पहुँचाई और तू मेरे हाथ को पनौती हाथ बोल रहा है। वो कोई लव लेटर था क्या? तेरा लव लेटर पढ़ के कोई लड़की तो क्या, कोई कुतिया भी नहीं पटेगी। कैसे पटाना है मैं जानता हूँ, तू जा। तू दोबारा हेल्प मांगेगा ना तब मैं तुझे बताऊंगी। मैं मरूंगा तो भी तुझसे हेल्प नहीं लूंगा। तू एक दिन कुत्ते की तरह मेरे पीछे आएगा। जा निकल, ज्यादा बोल मत अभी, जा निकल। चल 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 भाग, कौन आती कहीं की। ए तू मुझे सिनेमैक्स तक ड्रॉप करेगा? हां बैठ जा। ए तुझे एक बात बताना भूल गई, मैं युक्ता से मिलने ही जा रही हूं। चल रे, अब तू आ तेरे साथ 2020 मैच खेलूंगी, देख लेना। फालतू में से पंगा ले लिया। आ गया। मैंने फालतू में इससे पंगा ले लिया। स्क्रीन टू टू टिकट्स। चलो मिल गया ना। स्क्रीन टू वन टिकट। बॉस 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 ये टिकट मुझे दो ना। क्यों, काउंटर खाली है ना? बॉस 500 देता हूँ प्लीज। इस टिकट का इतना वैल्यू क्यों? कुछ टिकट का लग रहता है बॉस। गब्बर सिंह ड्रेस नीलाम करो तो 50,000 मिलेंगे, फिल्मों की रील बेचो तो 20,000 मिलेंगे। अब किस लिए पूछोगे तो क्या जवाब दो प्लीज बॉस। तो फिर ये टिकट 1,000 में मिलेगा। 1,000? हाँ बॉस। सिचुएशन बॉस, सिचुएशन। एजी एजी मुझे पवन कल्याण के साथ एक फोटो खिंचाने दीजिए ना। मेरे साथ फोटो खिंचवाना? मुझे 6 फीट के आदमी के साथ फोटो खिंचाना है, 3 फीट के आदमी के साथ नहीं। कोई सुन लेगा चिल्ला मत। तो तुम ही खींच दो ना। चल ठीक है खड़ी हो जा। ओके ना। अच्छा है। अंकल एक हमारे भी फोटो खींच दो ना प्लीज। खींच आ जा। स्माइल। सुपर। थैंक यू। ओके। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोनों साथ में आ गए। हम सिनेमैक्स में आए हैं, तू क्यों आया है? फॉलो कर रहा है क्या? Come on, रानी, मैं फिल्म देखने आया हूँ और तुम लोग भी सेम फिल्म देखने आ गए हो, ये कोइंसिडेंस है। हम शॉपिंग करने आए हैं। ओ, मैं भी चलूँ क्या? क्रेडिट कार्ड है क्या? शो का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products. Such as BD, cigarettes, कमाल है, शॉपिंग जाना छोड़कर मुझे फॉलो कर रही है। तेरा सीट नंबर क्या है? 10। और हमारा 8 और 9। हमारे बाद तूने टिकट लिया था ना, अब बता कौन किसको फॉलो कर रहा है? ऑफ कोर्स, ये भी तो एक्सीडेंटल समझो। हा? दिमाग खराब मत कर, फिल्म देख। सॉरी। देख के नहीं बैठ सकते क्या? बैठ जा। एक बात बता, तू ऐसी फिल्में क्यों देखने आती है? हम कॉमेडी फिल्म देख सकते थे ना। अब बच्चों की तरह बात मत करो, इतने बड़े हो गए, कोई तुम्हारी तरह डरता है क्या? फिल्म देखो ना भाई। कम थी क्या जो ऐसी चुड़ैल की फिल्में दिखाने लाती है? मुंह बंद करो, पिक्चर देखने दो। तेरी वजह से इनको हार्ट अटैक हो गया। ए जी उठिए, उठिए आप, भूत गया, भूत चला गया, चलिए कॉमेडी फिल्म देखते हैं, चलिए चलिए।
हे युक्ता, चंद्रा को फोन करें क्या? इस टाइम फोन करेंगे तो कैसा लगेगा? हॉरर मूवी का इफेक्ट कैसा था पूछती हूँ। ओके। स्विच ऑफ लैंडलाइन पे लगाती हूँ। हेलो, चंद्रा है क्या अंकल? तुम कौन बोल रही हो बेटी? उसकी फ्रेंड हूँ अंकल। फ्रेंड हो तो इतनी रात को फोन करोगी? अरे मैथ में थोड़ा डाउट है अंकल। तुमको अगर मैथ्स में डाउट है तो क्लास के लास्ट रैंक वाले से पूछोगी, तब तो तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा। एक मिनट लाइन पे रहो। ए संध्या। क्या हुआ जी? उस गधे को बोलो उसका फोन आया है। गधा बोलते है इसको। कौन है पिताजी? कोई लड़की है। लड़की? अच्छा, लड़की है। ऐसे स्त्रीलिंग वाले रिएक्शन क्यों दे रहा है? मारूंगा, मुंह टूट जाएगा, नाटक करेगा तो। पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ। मेरे और भी दो बेटे हैं, मुझे पता है। चल फोन पे बात कर। हेलो। हेलो चंद्रा, मैं बोल रही हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? हेलो, नहीं आ, हेलो? स्पीकर ऑन कर सकता है ना? हेलो हेलो हेलो, क्या रे गधे, तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? हेलो, कौन है आप? कौन है आप? मेरी आवाज सुन के भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा है? वो तुम हो? सॉरी। क्या रे, फोन ऑफ करके घर में क्या कर रहा है तू? आज तूने जो फिल्म देखी उसके डर से तू चादर में घुस गया था क्या? नहीं नहीं। ओह, नेक्स्ट सॉन्ग कंपोज कर रहा है तू? वही कंपोजिशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपोजिशन। ए, मुझे केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा है बे? तेरा बाप बगल में है क्या? तू पागल जैसी बातें क्यों कर रहा है? नहीं है। तू एकदम सही बोलता था, तेरा बाप मुझे भी सनकी लगता है। मैंने कब कहा था ये? अरे तो कहा था। अमरीश पुरी के कैरेक्टर की तरह तेरे पिताजी हैं। मनुज की तरह तेरी भाभी तेरे घर में पड़ी रहती है। भाभी, भाभी। और तेरा भाई? भाई नहीं है, तेरी भाभी के हाथों बजने वाला ढोलक है। तेरी तो। और तू अपने तीसरे भैया के बारे में क्या बोल रहा है? वो तो सब इसकी वजह से। ठीक है, युक्ता बात करना चाहती है। हाय चंद्रा। हाय। तुम्हारा कंपोज किया हुआ लव लेटर सॉन्ग सुपर्ब था। अरे थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ना, तुमने मुझे लव लेटर दिया है, इस सदमे से मैं बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने सॉन्ग तो अच्छा कंपोज किया। चंद्रा, स्पेशल क्लास का टाइम हो गया है, और कितना टाइम लगेगा? अभी ये भी बाकी था। सहीर भी बहुत टैलेंटेड है। जब वो ड्रम्स बजाता है तब मुझे शिवमणी की याद आती है। वो हमारे रॉक बैंड। अरे तुम अपना मुंह बंद करो, पिटवाओगी क्या? सारी पोल खोल के रख दी है। अब हम लोग म्यूजिक अड्डे पे मिलके ही बात करेंगे। क्यों रे, मैं ढोलक की तरह बजता हूँ? नहीं नहीं, क्या है रे, मैं तुझे मनहूस नजर आती हूँ। नहीं भाभी, क्या है, मैं तुझे टॉर्चर करता हूँ? अब तो ये खबर सबको पता चलनी चाहिए। आप ऐसे क्या देख रहे हैं, मारिए इसको। तू तो ललित कुमार की बेटी है ना, एग्जाम्स की तैयारी हो गई? हॉल टिकट बटने वाला, जल्दी से आओ। चलो, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने में मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? इस म्यूजिक एल्बम के चक्कर में मैंने स्टडीज नहीं की। अच्छा, एग्जाम का इतना टेंशन होता है क्या? नहीं होगा क्या, तुम लोगों ने भी तो पढ़ाई नहीं की, इतने रिलैक्स कैसे हो? कर लेंगे कॉपी, इसने पढ़ लिया ना, हो जाएंगे पास। चंद्रा इतना इंटेलिजेंट है क्या? ये क्या होगा, ये तो इसके पिताजी की बेल्ट की महिमा है, पासिंग मार्क की गारंटी है। ए, इस साल ये सब नहीं हो पाएगा। मैं तुम सबका सिस्टम जान गया हूँ, जो पढ़ कर आएगा वो ही पास होगा। देखता हूँ कैसे कॉपी करोगे, देखता हूँ। अब क्या करेंगे यार? आईपीएल मैच फिक्सिंग आइडिया। सिग्नल देकर जैसे आईपीएल मैच फिक्स करते हैं, उसी तरह हम एग्जाम में भी कॉपी करेंगे। क्या क्या मतलब? सिंपल, हमारे आंसर्स में ए बी सी डी ऑप्शंस होते हैं। सपोज हमारा आंसर अगर ए हो तो मैं एक बार खांसूंगा ऐसे, अगर आंसर बी हो तो दो बार खांसूंगा ऐसे, सपोज आंसर सी हो तो एक बार छींकूंगा अच्छी, और अगर डी हो तो नाक से ऐसे आवाज दूंगा। वाह सुपर चंद्रा। यस। हे, क्वेश्चन पेपर को देखते ही तुम सब के चेहरे का भाव बदल रहे हैं।
सीजन के तुझे सर्दी कैसे हो गई है? बहुत खिचखिच हो रही थी तो विक्स ले लिया होता। बहुत देर से मैं तेरा ये ड्रामा देख रहा हूँ, आईपीएल की तरह कॉपी कर रहा है। ला, अब तू घर जा बेटा, जा, जा ना। जाता हूँ सर, जाता हूँ। हमारे घर जाने के लिए ना 23 सी जाती है, 24 ए जाती है, 25 डी जाती है। मैं किसी में भी चला जाऊंगा। क्या ना? हाँ। ये जाते जाते बस का नंबर क्यों भूल के गया? अरे बाप रे, जाते जाते आंसर बता के गया। ये लड़का बहुत ही चैप्टर है। यस, आई एम सो हैप्पी। टेंशन खत्म हो गई। चंद्रा, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी प्लीज? ठीक है, श्योर, चलो ना। Thank you.
कैसे सही रहूं, दिल पे कहे बस तू ही से भाई। तेरे पे इतना पैसा खर्च करता हूँ, तू मेरे। अरे अभी मैं तुझे ही फोन करने वाला था। क्यों, मैटर क्या है? युक्ता मुझसे प्यार करती है यार। ऐसी तेरी फीलिंग है कि उसने तुझे खुद ऐसा बोला? हाँ। ए, फर्स्ट टाइम मेरे बाइक पर पैर दोनों साइड में डाल के बैठी थी। जींस पहनी थी क्या? हाँ यार, तुझे कैसे पता चला? अबे ट्यूबलाइट, वो कंफर्टेबल थी इसलिए ऐसे बैठी थी यार। अरे वो बात नहीं है यार, रोड के गड्ढे पे जो पानी होता है ना, वो हम पर उड़ रहा था, तो उसने क्या किया जानता है? उसने कस कर मुझे गले लगा लिया। अबे पानी उड़ेगा तो तुमको क्या, तेरे बाप को भी कसती गले लगा लेगी। तू ज्यादा फील मत कर मेरे भाई। बस इतना ही। ए, तूने उसको लव लेटर तो नहीं दिया ना? हाँ यार। चुपचाप उसको बदल दे। क्या है बे, ऐसे क्या घूर रहा है? मारेगा क्या? आना चंद्रा। नो। अरे वाह, तू उतावला हो रहा है और ये रोक रही है। लड़की समझदार है, चुपचाप जाके मॉल में शॉपिंग कर। देख क्या रहा है, चल जा बे। लड़ेगा क्या? Excuse me. Yes. मेरा ऑर्डर किया हुआ गिफ्ट रेडी है? रेडी मेरा। ओके। हम किस फंक्शन में जा रहे हैं बताओ? शादी में, रिसेप्शन में या पार्टी में? तभी तो अच्छा गिफ्ट ले सकते हैं, जरा बताओ ना। बोलती हूँ, वेट। थैंक यू। पकड़ो। Dear customers, please visit the special performance at second floor by enthusiastic artists who are performing for a cause of saving the girl child. Please visit, donate and save the girl child.
चले चलो। समझ गया, एग्जाम का टेंशन खत्म हो गया है, पास हो जाओगी ये भरोसा है, ये सब उसी के लिए है ना? हाँ? तुम्हें समझ में आ गया क्या? हाँ। ठीक है, इसे ओपन करके देख लो, ज्यादा समझ आएगा। हुँ? क्या गिफ्ट होगा? अरे बाप रे, इसकी तरह इसका गिफ्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। या! अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। प्यार में पड़ गए सजन, आप चंद्रा है ना? जी हाँ। आप आ रहे हैं, ये मैडम ने बताया था, आप बैठ जाइए। ये सब क्या है? ऐसा कभी देखा नहीं क्या? बच्चों को खुश रखने के लिए जहाँ भी नजर जाए वहाँ गुड्डा खड़ा कर देते हैं। उस दिन तुम बारिश में ना भीगो इसलिए तुम्हारी हेल्प की थी, तो तुमने मुझे यहाँ गुड्डा बना दिया। Of course. अब तो तुम गई। रुक तेरी तो। Thank you.
एल्बम तो बहुत अच्छा है। मेरी फोटो यहाँ कैसे? मतलब युक्ता मेरी बचपन की फ्रेंड है? यस। कॉफी। ये कौन है? राउंड किया हुआ? इसकी शक्ल देखियो तो दिन खराब हो जाता है। ये बहुत बड़ा चोर है। लेकिन तुमने इसी एल्बम को क्यों देखा? इसकी शक्ल दिखा के मेरे हैप्पी मूड को एकदम खराब कर दिया। इसकी शक्ल देख के मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। वैसे उसने ऐसा कर क्या दिया? इसने बहुत बड़ी गलती की है। जान से प्यारी मेरी माँ, जिनकी यादें एक वीडियो कैमरा में थी, ये छोटू उसे चुरा के भाग गया। क्यों बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं आंटी। ठीक है। मेरा कैमरा कहाँ गया? छोटू, मेरा कैमरा ले गया। छोटू किधर है? ये देखिए ना। हाँ जल्दी आ गया। कहाँ चला गया था? अंदर आ। चलो बैठो। जल्दी बैठो, टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ चलो भाई। जब मुझे मेरी माँ की याद आती थी तब मैं वो वीडियो चला के देख लिया करती थी। मेरी माँ को ऊपर वाले ने छीन लिया और आखिरी याद उसने। जब से छोटू ने कैमरा चोरी किया है, माँ के बिना मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे लगता है कि उसने ही मुझे मेरी माँ से दूर किया है। सडनली मेरी माँ को मुझसे दूर ले गया। मैं अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकती। और अब जब मुझे मेरी माँ की याद आती है तो मुझे वो भी याद आता है। मुझे उसे जान से मार देने का मन करता है। युक्ता, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन उस उम्र में उससे अनजाने में। फालतू में तुम उसकी साइड मत लो चंद्रा। I just hate him. उसकी बचपन का छोटू सच में तू ही है क्या? शॉकिंग। तेरी बातें सुन के लग रहा है फिल्म में ट्विस्ट आ गया। तेरी लव स्टोरी में तू ही हीरो है, तू ही विलन है। जब उसे पता चलेगा कि बचपन का छोटू तू ही है तो उसका क्या हाल होगा? मैं खुद वो छोटा बच्चा हूँ, ये सोचकर मैं बहुत टेंशन में आ गया। अगर युक्ता को पता चले तब तो वो RDX की तरह फूटेगी। वो कैमरा उसे दे दे और फिर सॉरी बोल दे। उसको बता मैं ही छोटू हूँ यार। वो कैमरा रहे तो दे सकता हूँ ना। उसका तूने क्या किया? ट्रेन जा रही थी और मैं शूट कर रहा था। इतनी बड़ी ट्रेन छोटे से कैमरे में चल रही थी तो मैंने ये सोच लिया कि कैमरे के अंदर वो ट्रेन है, इसलिए मैं उसे कैमरे से बाहर निकालना चाहता था और मैंने कैमरा तोड़ दिया। क्या? हाँ, उसका पुर्जा तोड़ दिया। अब इस कचरे का क्या करूं सोच के मैंने उसे फेंक दिया। युक्ता को अगर पता चलेगा ये कैमरा तूने कचरे में डाल दिया, वो मार के तुझे भी कचरे में डाल देगी। अरे बचपन में की हुई गलती के लिए मैं अपनी बलि क्यों चढ़ाऊं यार? तू अपने आप को गजनी मत समझ, वो 2-in-1 तू ही है, याद रखना। ये फालतू की राय सुनने के लिए मैंने यहाँ पे मीटिंग नहीं बुलाई। देना है तो कुछ अच्छा आइडिया दो। तूने तो मुझसे बोला था ना, सिंसियरली प्यार करूंगा लेकिन अपने इस माइंड को हमेशा प्रिपेयर रखूंगा। अगर दिल टूट गया तो नो सुसाइड नो हार्ट ब्रेक। अब तू क्या कर रहा है? हाथ पैर मारने से अब कोई फायदा नहीं भाई। मेरी बात मान, युक्ता को बोल जा लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहे। अरे तू इसको लाइट ले यार, म्यूजिक एल्बम बना रहा है, बैंड चला रहा है, तू उस पर दिमाग लगा ना। अच्छी खासी तेरी लाइफ चल रही है, प्यार में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। युक्ता को तो भूल जा, म्यूजिक ही हमारी लाइफ है, अब क्यों रिस्क ले रहा है तू? प्लीज चंद्रा जरा सोच। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा गाना बन गया। इन सारे गानों का एक एल्बम बनाना चाहिए। बचे हुए गाने तुम कब तक बना दोगी? नेक्स्ट 2 songs के लिए टाइम दे दीजिए सर। श्योर। चंद्रा रॉकी यानी सही, गुड न्यूज़। मेरी बात सुनोगे तुम सब खुश हो जाओगे। तुझे मालूम चलेगा कि ये छोटू है, तू इसको आज मार डालेगी। मैं अभी अभी आदित्य म्यूजिक के MD से मिलकर आ रही हूँ, उन्हें हमारा सॉन्ग सुपर्ब लगा। सॉरी युक्ता,
मैं ये एल्बम नहीं करूंगा। तुम्हारे भरोसे मैंने डैडी को मनाया था, लेकिन अब ये सब क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचते हो, लेकिन मेरे पिताजी की बेइज्जती होगी। ऑलरेडी तुमने फोन पे एल्बम म्यूजिक के बारे में बताकर उनको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। अब एल्बम के नाम पर मेरी स्टडीज को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। युक्ता, ए एल्बम स्टार्ट किसने किया? तूने की मैंने? ये कैसी बातें कर रहा है? छी, मुझे नहीं पता था कि तू मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा। अगर मुझे ये बात पता होती तो रोज रोज ट्रैवल करके तेरे पास नहीं आती। दोबारा अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल मत करना। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है चंद्रा। युक्ता क्या हो गया? चंद्रा ने मुझसे फालतू में बहस की। हमारा एल्बम रिलीज होने की कगार पे है, वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। पर उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है, मुझे बताओ। अगर वो नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकती। यू कैन डू इट युक्ता। सर, मैं युक्ता। युक्ता, बताने की जरूरत नहीं। सर, मुझे एल्बम बनाना है। 4 सॉन्ग्स ऑलरेडी बन चुके हैं। 2 सॉन्ग्स के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कब चाहिए? मैं अभी आपसे मिल सकती हूँ सर। युक्ता, अभी मैं एक नए सिंगर को सारे गामा पा का सुर सिखा रहा हूँ, प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो जाएगा। एक काम करो, कल सुबह मिलते हैं, आराम से बात करेंगे। थैंक यू सर। एक बार ये एल्बम बनने दो, उसके बाद उसके मुंह पे मार के आऊंगी। That's the spirit. Yes. लो, भले ही फेल हो गया, लेकिन अपने चंद्रा को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहाड़ की तरह खड़ा है सुपर चंद्रा। एक मिनट। ये क्या है यार? मतलब मैं एक बूंद दारू नहीं पीऊंगा, ये पिताजी से मैंने प्रॉमिस किया है। वो एक बूंद मैंने गिरा दी, अब ये पूरी मेरी है। ए चंद्रा, तू कमाल है मेरे। लाइफ में इतना दुख है, प्यार में तेरे को ड्रॉप मिला, फिर भी तू दुखी नहीं है, ये बता कैसे? कैसे? पेड़ को देखकर। पेड़ को देखकर? यस। मेरा लव ब्रेकअप होने के बाद मैं रात में एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहीं से ज्ञान मिल गया। कैसा ज्ञान? अरे लाइफ पेड़ की तरह है, लव पेड़ पर झूलने वाले फूलों की तरह, सीजन में वो खिलते हैं, फिर गिर जाते हैं। मुझे अभी भी याद है फर्स्ट टाइम युक्ता को लव लेटर देने के समय तू कितना टेंशन में था ना भाई। याद मत दिला यार, मैंने तो बड़ी फीलिंग से लव लेटर लिखा था, तो उसने क्या किया, टुक 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 करके मेरे पास आई और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह मुझसे सवाल पूछने लगी, पागल कहीं की। अरे भाया, जैसे तूने बोला ना, मेरा भी हार्ट ब्रेक हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। जानता है क्यों? क्योंकि मैंने पहले माइंड को प्रिपेयर करके रखा था, लव में फेल होना ही है। थैंक यू भाई। नो हार्ट ब्रेक्स, नो सुसाइड। कितना डाटा उसने छोटू को, जानता है? मतलब मुझे सपोर्ट करूंगा। अभी गई का जिस कैमरे में उसकी माँ थी, तूने उसे चुरा कर तोड़ दिया। हाँ, उसकी माँ ने देशभक्ति का गीत गाया था ना, टूट गया क्या मेरा, क्राइम है क्या? अरे मैंने जाने अनजाने में उस उम्र में जो गलती कर दी थी, उसको लाइट लीना लेते हुए दुश्मन की तरह दुश्मनी बढ़ा रही है। लेकिन सभी लड़कियां खरगोश पालती हैं, कुत्ता पालती हैं, लेकिन ये क्या, इसने उस बच्चे से दुश्मनी पाल ली, फिर भी मैं शेख हुआ था क्या? नो। वो किस लिए? वाई? क्योंकि तूने माइंड पहले से प्रिपेयर किया था, लव में फेल होने से भी नो हार्ट ब्रेक नो सुसाइड। क्या हुआ यार, बियर तेरे को चढ़ गई क्या? उल्टी होने वाली है क्या? हैंगओवर हो गया?
युक्ता नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे यार तू अभी तक तो क्या क्या बोल रहा था? अरे वो तो सब ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा सा टकीला क्या चढ़ा दिया, अपने आप सच बाहर आने लग गया। ए, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ यार, मैं तेरे भी पैर पड़ता हूँ, मुझे और युक्ता को मिला दिया। ए, युक्ता मेरी जान है, अगर वो ना हो तो मैं मर जाऊंगा, कल तुम लोग मेरी लाश देखोगे। युक्ता मेरे दिल की धड़कन है, वो नहीं मिलेगी तो मैं देवदास बन जाऊंगा, देवदास बनूंगा। हेलो हेलो सर, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? हाय युक्ता, आजा, कॉफी टी कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स। नहीं कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बैठो बैठो। तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है, जूस तो पियोगी ना? जूस पियो, शर्मा क्या रही है, पी ले। थैंक यू सर। बहुत मस्त है। वो क्या सर? ड्रेस। उस दिन तुमने साड़ी पहनी थी ना, वो भी बहुत अच्छी। इस कुत्ते के लिए माँ हो बेटी हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, टुच्चा कहीं का। सर ये 4 सॉन्ग्स बन गए हैं, मैं बाकी के 2 सॉन्ग्स आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। करते हैं करते हैं। ए तू बाहर जाके बैठ, कोई आए तो बोलना कि साहब म्यूजिक सिटिंग में बिजी हैं। बिजी है। मुझसे एक चांस पाने के लिए कितनी लड़कियां वेटिंग कर रही हैं, लेकिन मैं चांस सिर्फ तुमको दूंगा, तुम्हारे बाद उन सबको। वो क्या सर, मैं समझी नहीं। ट्यून्स बनाने के लिए बॉडी की केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, तभी तो काम करने में मन लगेगा। अब इतने नखरे मत करो, जल्दी से सुर लगाने दो। आपने शायद कुछ मिलाया था सर। अरे ताकि कंफर्टेबल सुर लगे, आओ इस जगह पर आराम से बैठो। मैं तेरे म्यूजिक कॉलेज को अपना नाम नहीं दूंगा। हाँ तो मत दे, तेरे जैसे चमड़ी का नाम भला किसको चाहिए। युक्ता युक्ता तू इसको ले जा, इसको हम भी कूटेंगे अपने वाले। मैंने कैजुअली बात क्या कर ली तो तुम इतनी नाराज हो गई? छे पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारी लाइफ का क्या होता? मुझसे गलती हो गई चंद्रा, तेरा नशा मेरे सर पे यूं ही चढ़ा, तुझे ना अब कुछ भी मत कर, साए मेरा प्यार कुछ कर लूं ना उल्टा अब मारूं ना, ये
वेरी गुड चंद्रा. थैंक्स सर. ट्यून बहुत अच्छी बनाई तुमने. तुम अपने एल्बम के सारे गाने थोड़े डिफरेंट मूड के बनाना. श्योर सर. जो दो गाने बचे हैं उनकी धुन भी जल्दी बना लो. तुम्हारा एल्बम डेफिनेटली हिट होगा. अरे आ गया यार ये. ए हाय. आदित्य म्यूजिक के ऑफिस से हम लोग आ रहे हैं. उन्हें बहुत अच्छे लगे. आदित्य मोहन जी ने जो एनकरेज किया है सुपर. अपना एल्बम बनेगा. तेरी बात मेरी समझ में नहीं आती यार. मैंने क्या किया यार? तूने उसके साथ एल्बम करने से मना कर दिया था. ब्रेकअप कर लिया था. फिर अब ये सब क्या है यार? ए, मैं युक्ता को भूल नहीं पा रहा हूँ यार. तू जो बोल रहा है वो सही है, लेकिन जब उसे सच पता चलेगा तो. ए, युक्ता मुझसे तो प्यार करती है, लेकिन हेट किससे करती है? उस छोटे बच्चे से. सो उस छोटे बच्चे को युक्ता के दिल से इरेज कर दूंगा. कैसे करेगा? Where there is a will, there is a way, यार. Follow me. आदित्य मोहन जी को डिसअपॉइंट नहीं करना है. बाकी सॉन्ग्स कमाल के करने हैं. Yes. कैसे करेंगे? ए, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ. छोटी, छोटी, छोटू, छोटू, युक्ता, छोटू को भूलने के लिए तुम्हें मजबूर करूँगा. युक्ता, छोटे बच्चे पर सॉन्ग बनाते हैं क्या? हे, गुड आइडिया, बनाते हैं. छोटा बच्चा तो देव समान है, उसकी बोली भी दिल से निकलती. छोटा बच्चा तो देव समान है, उसकी बोली भी दिल से निकलती. छोटू कृष्ण तो माखन चोरी करते थे, कट्टू इस कलयुग में छोटू को पूजे हैं. छोटू वाल्मीकि डाकू कहलाते थे, सीन थोड़ा रिवर्स हुआ महर्षि कहलाए. छोटू तो, छोटू तो है, छोटू 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 तो. छोटू तो गांधी जी चोरी खूब करते थे, फ्लैशबैक खत्म हुआ महात्मा कहलाए. छोटू तो नेताजी माँ की नहीं सुनते थे, बाद में वही तो वीर पुरुष कहलाए. छोटू तो, छोटू तो, अरे छोटू 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 तो. छोटू एडिशन को कौन भला जाने था, बड़ा होते ही बल्ब उन्होंने बनाया. छोटू बिल गेट्स से ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, चुपचाप बिलियनियर बन गया तुम जानो. छोटू तेंदुलकर तो टेंथ फेल हुआ था, वही फेल छोटू तो क्रिकेट किंग कहलाया. छोटू तो, छोटू, अरे छोटू, अरे छोटू 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 छोटू. स्टॉप इट. छोटू, तुम कब से छोटू छोटू पे गाना गा रहे हो? ताकि मैं उसे भूल जाऊं क्या? एग्जैक्टली युक्ता, उस छोटू ने बचपन में जाने अनजाने में जो गलती की थी, तो उससे इतनी नफरत करना ये गलत बात है. अब उसे माफ करो और आगे बढ़ो. उसे माफ करने से अच्छा है मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन उसे नहीं भूल सकती. युक्ता एक मिनट, गुस्सा तो मुझे तुमसे भी ज्यादा आ रहा है, लेकिन उस छोटू को चाकू से मार मार कर खत्म कर देना ये सोच रखना तो गलत बात है. तो अब भूलना ही सबसे अच्छा है ना? तुम मुझसे ऐसी फालतू बातें मत किया करो. कोई हेल्प तो कर नहीं पाते हो. वो छोटू कोई भगवान है क्या? युक्ता, अब से तुम्हारी प्रॉब्लम हो मेरी प्रॉब्लम. उस छोटू को किसी भी तरह पकड़िए. बट आई नीड सम क्लूज. ओके, वो हैदराबाद में कहाँ है ये तुम जानती हो? नहीं. जाने दो. उसका सच्चा नाम तुम जानती हो क्या? नहीं जानती. जाने दो. वो बड़ा होने के बाद कैसा दिखता है ये जानती हो? नहीं जानती. फिर उसे कैसे पकड़ेंगे? चलो उसको भगवान देख लेंगे. जाने दो ना. कैसे, कैसे वो छोटू को कैसे पकड़ेंगे? अरे गिव मी सम आइडियाज. कैसे, कैसे वो छोटू को कैसे पकड़ सकते हैं? क्या करें जिसे वो छोटू मिल जाए? ये रहा. अच्छा अच्छा, तो ये है वो छोटू. बड़ा होने के बाद ये कैसा होगा जरा सोचो.
अरे ये रोएंगे तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हा? एक दोस्त ही तो दोस्त की मदद कर सकता है। कमऑन यार, थिंक यार, थिंक यार, थिंक। ए, ध्यान लगा के सोच, कम विद सम आइडिया, यूज योर ब्रेन। ए, थिंक यार, कमऑन थिंक। आइडिया, एक कारीगर है जो छोटे बच्चे का फोटो देखकर प्रेजेंट में जैसा दिखता है वैसा ही फोटो बनाता है, उससे हम मिल सकते हैं। अगर उसके पास जाके ट्राई करें तो शायद हेल्प हो जाए। ज़हीर, थैंक यू सो मच। मेरा आइडिया कैसा लगा? आसान कर दिया। और तुम्हें तेरी पढ़ाई कर दी मैंने। ब्रिलियंट आइडिया यार, ब्रिलियंट आइडिया। बेस्ट फ्रेंड है, सच में तू बेस्ट फ्रेंड है। आएगा आएगा, तू 20 साल में कैसा दिखेगा मैं बनाऊंगा। तू जहां भी जाके छुप जा, तेरा फोटो मैं बनाऊंगा। तू बस देख, इस हुसैन वर्मा से बच पाना तेरे बस की बात नहीं है। तेरी फोटो तो मैं ही बनाऊंगा। तेरी हाइट, तेरी साइज, तेरा मोटापा कितना है मैं बताऊंगा। आई एम हुसैन वर्मा, या डोंट वरी, जस्ट वेट। अब नहीं, ओह नो, ये तो सच में हुसैन की तरह है। ये तो बिल्कुल मेरा ही स्केच बना रहा है। अगर ये स्केच फिनिश हो गया तो तेरी लाइन फिनिश। समझ ब्रदर, या अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ, कर रहा हूँ ब्रदर। एक बार आंख बन गई तो इसका मुंह नाक सब कुछ बन जाएगा, तस्वीर एज इट इज बन जाएगी। टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे पे छोड़ दो। ओके कूल ब्रो। अरे मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, आप जो स्केच बनेंगे उसी पर हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। No! इस स्केच से तुम्हारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। आई एम टू इंटेलिजेंट, माय नेम इज हुसैन वर्मा द आर्टिस्ट। प्लीज वेट एंड वॉच यार। आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप बनाइए बनाइए बनाइए, लेकिन बनाने से पहले एक बार सोच लीजिए। वो दिमाग वाला इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा ये सोचकर बनाओ। ओके। वो एक तो चीटर हो या पिक पॉकेटर हो या रावड़ी चीटर हो या फिर गैम्बलर हो, उनमें से कुछ भी हो सकता है, इसलिए जरा सोचकर बनाना। और एक बात, वो सिर पर तेल डाल के स्कूल जाने वाला नहीं है, कहा भी नहीं। पैर और हाथ पे तेल डाल के चोरी करने वाले टाइप है। सच में बहुत बड़ा चोर है। उसकी शक्ल पे चाकू का वार होगा, या फिर उसने बड़ा ठपरा पहना होगा, या फिर उसके गाल पे तिल होगा। उसकी आंखें अंजनी पर्वत की तरह दिखती होगी। ये सारी बातें तुम ध्यान में रखकर ही बनाना, और अगर तुम नहीं बना पाए तो एक बात याद रखना, मैं चुप नहीं बैठूंगा, तुम्हें देख लूंगा। तुम मामूली आदमी नहीं हो ब्रदर, देखता हूँ कैसे नहीं बनता है। hey, तू बन के रहेगा। ओके। ये उसकी आँख, ये उसका मुंह। एक मिनट रुक। यस, तो ढूंढ रहे थे नीति न्याय और इंसानियत के उस मूर्त को जिसे किसी ने देखा नहीं था। मैंने उसकी सही सही तस्वीर बनाई है। वो यार नहीं, वो छोटू है। देखो छोटू बड़ा होके ये बन गया। या मैंने तुम्हें एक छोटे चोर की फोटो दी और तुम मुझे एक बड़ा पुलिस वाला बना के बता रहे हो। उसकी एज इतनी ज्यादा नहीं होगी। You want 20 years? Exactly. Okay. Just wait. साल में चोरी की थी तो सोचो 20 साल तक उसने क्या क्या चोरी किया होगा। क्या होगा? बात समझ में आई? आई। खोपड़ा सही बनाना। बनाऊंगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना, नहीं होगी। तो मैं तुझे यही मारकर समाधि बना दूंगा। ए भगवान। फिर उस समाधि में से एक प्रेत आत्मा निकलेगी और तुझे वापस अपनी समाधि में वो ले जाएगी। संभाल के बनाना, वरना वो प्रेत आत्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। इसलिए तू उस प्रेत आत्मा की तस्वीर बनाएगा। कम ऑन, टेक दिस। बन गया। देख लो, यही है वो। यू स्टूपिड, यू फूल, यू मेंटल। क्या हुआ? ये सोनू सूद है, अरुंधति का विलेन। सोनू सूद? बॉस जरा इसे पकड़ो। हाँ गलत है, मुझसे गलती हो गई, मैं टोटल कंफ्यूज हो गया। हुसैन वर्मा कंफ्यूज। या मैडम, ये लड़का मुझे कंफ्यूज कर रहा है। मैडम इसे बोलो चुप रहे ना। तुम इसे बात करके इसे कंफ्यूज कर रहे हो। तू जा। मैं तो बात कर रहा था। तुम बाहर से, तुम तो दूर रहो, उसे कंफ्यूज कर रहे हो। अरे Oh,
ची 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 ची। क्या हो रहा है? इसने दिमाग में मेरा कचरा भर दिया। अरे तूने ऐसा क्यों किया यार? ए ए, तू तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट एमएफ हुसैन रवि वर्मा है ना? ये सब इसके टॉर्चर कारण सब हुआ है। क्या करूं? डोंट कट दिस, डोंट कट दिस, कूल कूल कूल, फाड़ दूंगा इसे, लूट दूंगा, फाड़ दूंगा इसे। बच गए। कूल कूल कूल, अब बनाता हूं। अब इसने क्या बनाया होगा? Yes, ये पक्का छोटू होगा। Yes. वाह 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 वाह, yes, तुम yes. कोई मामूली आर्टिस्ट नहीं हो ब्रदर। या एमएफ हुसैन के बाद तो तुम ही हो। हुसैन वर्मा, क्या बात है। थैंक यू ब्रदर। युक्ता, तुम उस छोटू को भूल जाओ। यस युक्ता, अब इस फोटो को हम बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या सोशल नेटवर्क साइट पर डालकर उसे किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। इट्स माई प्रॉमिस। या थैंक यू चंद्रा। या चंद्रा, युक्ता वो छोटू मिल गया है। क्या कहा? सच में? कहाँ है वो? एड्रेस भेजो। सिचुएशन जानती हो? हाँ पता है। ओके, एक बार अपना परफॉर्मेंस दिखा सकती हो? क्लास का देखना है या मास का देखना है? हम तो ऑलरेडी मास है, क्लास ट्राई करेंगे। ओके। अरे कब तक ये करेंगे? और डायलॉग्स? क्लास की एक्टिंग जब करते हैं तो उसमें डायलॉग नहीं होता बाबू, केवल साइलेंस होता है। ऐसे रहोगे तो सीन अच्छा नहीं लगेगा। मास ट्राई करते हैं। ओके डन। ओम छोटू कहाँ गया? तुम क्यों बैठे हो? चलो उठो। ओके। ऐसे डायलॉग बोलो। ए छोटू कहाँ चला गया तू? मेरे बेटा कहाँ चला गया तू? छोड़ के मुझे चला गया, छोड़ के बेटा। आजा आजा मेरे बेटा। बस करो, क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, युक्ता आ रही है। क्लास कंटिन्यू करेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे। यही छोटू है। ये सब कैसे हुआ? ये कैसे बात करेंगे युक्ता? रो रो कर तो इनके आंसू भी सूख गए हैं, गले से आवाज नहीं निकल रही। यस यस यस, सुपर। अगर वो जिंदा होता तो तुम्हारे कैमरे को मैं लेकर आ जाता। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उदास मत हो चंद्रा, ये छोटू नहीं है। उसके पेरेंट्स को मैं अच्छे से जानती हूँ। चंद्रा, ए चंद्रा, मुझे पहचाना क्या? ए, मैं हूँ यार, तेरे बचपन का दोस्त अजय। मैं तुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज तो तू गया। ये कैसी बात कर रहा है यार तू? बचपन में मेरे जान से भी प्यारे टॉमी को लेकर तू यहाँ से भागा था ना? टॉमी कौन? कितना क्यूट था वो जानता है? हमारे अगल बगल में जो भी डॉगीज थी उनके लिए वो प्रेम डॉग था। कौन सा डॉगी बे? यू डॉग। अरे अरे तू ये आंख क्यों मार रहा है मुझे छोटू? कुत्ते तो आंख मारते ही है, दो नंबर जाते हैं और सुसु भी करते हैं। लेकिन तू मेरे कुत्ते को क्यों ले गया था? भाषा छोड़ यार, भावना को समझ। ये तो कैसी बात कर रहा है यार? ड्रामा कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। क्या ड्रामा कर रहा है? ए मिस्टर, एक तो तू मेरे कुत्ते को ले गया और ऊपर से मुझे बोलता मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अब तो तू क्या? अरे मैंने कुछ नहीं किया, तू मेरे पे क्यों भड़क रहा है यार? अरे बचपन का कुत्ता मेरे पास कहाँ से होगा? तेरे पास होगा ना यार? जब तू ले गया तो मेरे पास कैसे होगा वो? अरे बचपन में मेरे पास कोई कुत्ता नहीं था यार, इसलिए तो मेरे पास जो कुत्ता था उसे ले गया था। अरे नहीं यार, अरे बचपन में मैं कुत्ते से बहुत डरता था यार। अगर डरता होता तो मेरे कुत्ते को कैसे ले जाता, बता बोल। अरे क्या छोड़ूंगा? अरे चंद्रा तू तो लगता पागल हो गया। अरे क्या कर रहा तू? अरे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे टॉमी को ले गया युक्ता। मैं और टॉमी खाना साथ में खाते थे, प्यार करते थे, मिलकर खेलते थे, दोनों में बहुत दोस्ती थी। जब मुझे नींद नहीं आती थी तो वो अपनी ही भाषा में बो 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 बोल के मेरे लिए गाना गाता था। इतने अच्छे कुत्ते को ये किडनैप करके ले गया युक्ता, दूर कर दिया मुझसे। शांत हो जाओ चंद्रा, मेमोरीज की वैल्यूज क्या है, उसकी यादों का दर्द कितना होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। बचपन में किसी ने गलती से मिस्टेक कर दी तो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो देना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? ये सही नहीं है।
हम जिनके साथ रहते हैं उनमें अच्छाई बुराई दोनों होती है। बुराई तो हर जगह होती है, अगर तुम चांद को भी देखोगे तो उसे भी एक मस्सा है। मस्सा? अगर हम सिर्फ मस्से पे ध्यान देंगे तो चांद की सुंदरता दिखाई नहीं देगी। चांद की सुंदरता देखने के लिए मस्से को भूलना पड़ता है। तुम्हारी कहानी बंद करो यार। आज के दिन से तुम अपने फ्रेंड को माफ कर दो और कल से देखना तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग होगी। अजय, बॉस तुझे अंदर बुला रहे हैं। ओके, मे आई कमिंग सर? यस। आपने मुझे बुलाया सर? वो कौन था जो तुमसे रोड पर झगड़ा कर रहा था? वो ना सर, मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है चंद्रा। पता नहीं आज उसको क्या हो गया था, क्यों पागलों जैसा बिहेव कर रहा था। मुझे बोलता है बचपन में कुत्ता लेके क्यों भागा, रोड पे इतना बड़ा नाटक कर दिया। लेकिन वो क्या बोलना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। ओके फाइन, यू मे गो। ओके सर। अरे अजय, फिर से कुत्ते की याद आ गई। एए, अरे भाई मेरी बात तो मान। नहीं सुननी मुझे। अरे सुन यार, तू मुझे दूर रह। अरे एक बार मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना है। अरे दूर रह। अरे अजय, नहीं आ रहा मैं। ए, वहीं पर रुक। देख तुझे कसम है तो वहीं पर रुक जा। दूर है तू मुझे। ए, बता मेरे पीछे। अरे रुक ना यार। नहीं नहीं रुकूंगा। ए, ये अच्छे काम भाग रहा है। अरे तू कैसा आदमी है यार, रात भर मैं तेरे कुत्ते के बारे में सोचता रहा पर मुझे कुछ भी याद नहीं आया। आई एम रियली सॉरी यार, कल मेरे बगल में जो लड़की थी ना, वो बचपन में हमारी पड़ोसी थी, वो युक्ता है यार। okay. और उसे कोई भी बात पता ना चले इसलिए मैंने वैसे किया। अच्छा, और मैं रात भर कुत्ते के बारे में सोच सोच के पागल हो गया यार। सॉरी यार, एक बार माफ कर दे यार। इट्स ओके, अब कुत्ते के लिए हम दोस्ती थोड़ी तोड़ देंगे। हाय चंद्रा। अब वो लड़की आ गई है, मैं तो मर गया। कौन सी लड़की है? अनबिलीवेबल युक्ता, इसके आइडिया ने मेरे आइडियालॉजी को मात दे दिया। राम कोड़ी बनाने के बाद नागार्जुन सर रामदास बन गए। मैं भी रात भर अजय मेरा फ्रेंड है ये याद कर रहा था। देखो सच में अजय मेरा फ्रेंड बन गया। देखो ना, तुम्हारा फॉर्मूला वर्कआउट हो गया युक्ता। कोई भी अगर निगेटिव सोचे तो उसे निगेटिव ही मिलेगा। हाँ। और अगर पॉजिटिव सोचो तो ये पूरा प्रपंच हमें पॉजिटिव दिखेगा। अब मुझे देखो, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, बहुत ही आनंद में रहता हूँ, है ना। मैंने अपने टॉमी के लिए अपने दोस्त को माफ कर दिया। हाँ। उसी तरह तुम भी अपनी माँ की मेमोरीज को भूल कर छोटू को माफ कर दो तो बहुत 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 खुशी मिलेगी तुम्हें। तुम्हें कुत्ते को मेरी माँ से कंपेयर कर रहे हो? अगर तुम्हारी जगह किसी और ने ये बात कही होती ना चंद्रा, तो मैं उसे चप्पलों से मारती। मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। सुनो, छोटू के अलावा किसी को भी माफ कर सकती हूँ। दोबारा मुझे ऐसी राय देने से पहले सोच लेना। क्या यार, तू इतना उदास क्यों बैठा हुआ है? युक्ता भी ना यार, मुझे बोलती है पॉजिटिव सोचो और खुद तो नेगेटिव एंगल्स के सारे नेगेटिव राइट्स लेकर रखे हैं। अरे यार, वो सिर्फ तुझे ऐसा बोलती है, सबको ऐसा थोड़ी बोलती होगी। वही तो ना यार, मैं भी तो प्यार को कचड़ा पागलपन बोलकर हजारों बातें सुनाता था ना, लेकिन जब मेरी बारी आई ना तो युक्ता को भूल नहीं पा रहा हूं। तो अब तो तेरे पास युक्ता को भूलने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यही सच है। एक मिनट रुक। ये सच का नहीं है, एनिमेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि अब छोटू का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो मिल गया क्या? बी पॉजिटिव। सत्य है भगवान। मुझे भगवान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भगवान के होते हुए मेरी माँ मुझसे दूर चली गई। ऐसी बात नहीं करते युक्ता। इसके माँ बाप ने बहुत मन्नत मांगी थी तब ये पैदा हुआ। जिस भगवान ने चंद्रा को पैदा किया है वही हमें छोटू को भी खोज कर देगा। ये सब फालतू बातें युक्ता, हम ट्राई करेंगे ना। जहीर अगर कह रहा है तो एक बार जरूर चलते हैं। गुड गुड,
चलते हैं। कहीं कांस्टेबल ने हमको पकड़ लिया तो अपनी पर्ची कट जाएगी। ये सब जहर का नाटक है। उधर इधर पार करना है यार। हाँ कर रहा हूँ ना। चला चलो। एक मिनट, क्या हुआ? भगवान में इतना पावर है मुझे आज पता चला यार। क्यों? इधर हमने वर मांगा, उधर वर पूरा हो गया। कैसा वर यार? अरे उधर तो देख। हाँ? ना? हाँ, हाँ, चलो। मेरा फ्रेंड है या मेरे सर पे नाचता हुआ यमदूत है। एक तो वैसे भी मैं छोटू के टेंशन में रहता हूँ, इन्हें देखते ही युक्ता को सब पता चल जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाके रोकना उसे। युक्ता युक्ता युक्ता, तुम अचानक मंदिर कैसे आ गई? पहले तो नहाना चाहिए ना। मैं नहाई हूँ, तुम नहीं नहाए क्या? इसने 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 थोड़ा सा पानी सर पे डालो, चलो। नारियल? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, चलो। फ्री में मन्नत मांगोगी तो पूरी नहीं होगी, कम से कम एक नारियल तो भगवान को चढ़ाना चाहिए। उसकी क्या जरूरत है? वर वर वर, हाँ नारियल चढ़ाओ तो भगवान वर देते हैं, इसलिए तो हम मंदिर आए हैं। चलो चलो आओ आओ जल्दी चलो। क्या क्या चाहिए सर? जल्दबाजी मत करो, पहले मेरी बात सुनो। एक अच्छा सा नारियल, एक बड़ा सा नारियल, एक मोटा सा नारियल, उसमें पानी रहना चाहिए, हाइब्रिड नहीं चाहिए, देसी होना चाहिए। अगर फोड़ो तो बहुत मलाई निकले। ये लक्षण जिस नारियल में हो वही देना है भाई साहब। अच्छी तरह टाइम लेकर अच्छा सा नारियल देना। इतनी जल्दी देना जरूरी था? जल्दी लो, चलो। सर पैसा दो सर। वो देगा। युक्ता जोर से आंखें बंद करके प्रार्थना करो। भगवान छोटू जहाँ कहीं भी हो मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। मैं उसे जान से मार दूंगी। प्लीज भगवान। अबे देख लेंगे वो। गॉड इज ग्रेट यार। अबे तू चुप कर। स्वामी अब तो ग्रेट होगा, अब तो पक्का फंसेगा। चली गई क्या? सच में भगवान की महिमा अपरंपार है यार। क्यों? तभी तो युक्ता इसके माँ बाप को नहीं देख पाई, क्या बोलता है? भगवान भी उसके प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं यार। ओहो, भगवान भी स्वार्थी लोगों को साथ दे रहे हैं। वो खुश है, तुझे खुशी नहीं मिल रही? ऐसी बात नहीं है, अगर भगवान सच्चा है तो उसे सच्चे का साथ देना चाहिए ना। अबे एक क्वेश्चन भाई, अगर तुझे शांति नहीं मिल रही ना, जाके भक्ति टीवी देख, मुझे बता। भगवान की महिमा अपरंपार है। आओ आओ जल्दी आओ।
अरे उसको रोको यार। अंकल, उस ऑटो में बैठे गए हैं। उस ऑटो का पीछा करो, उस ऑटो का पीछा करो। भाई स्टार्ट करो, जल्दी, जल्दी करो। चाबी, जल्दी। अरे चाबी नहीं मिल रही है यार। अरे चाबी कहाँ गिर गई? हाँ मिल गई। फास्ट, बोलो निकल जाएंगे। चल रहा हूँ। अच्छा किस तरफ गए वो? उस तरफ। जल्दी करो, जल्दी। ऑटो, ऑटो, ऑटो। नहीं वो वाला ऑटो ना। अच्छा वो वाला। नहीं नहीं। हाँ मैं चलो। ए ऑटो। चलो बोलो पीछे छूट गए। ऑटो उस तरफ गया। वहाँ नहीं, वहाँ। अरे उधर नहीं यार, इधर मैंने देखा है। तेरी तो कहाँ गए? मैं शराबी नहीं, मैं एक्सक्यूज मी, छोटू कहाँ रहता है? अरे मुझे अपना घर पता नहीं है और तू छोटे के घर के बारे में पूछ रही है? असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये पकड़, जल्दी छूटा दे। छूटा नहीं। अरे क्या बात कर रहा है, छूटा नहीं तेरे पास? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं क्या? छोटू का घर तुझे पता नहीं है क्या? नहीं पता। छोटू प्लस घर इज इक्वल टू छोटू का घर। आई यू में से छोटू, सर्वमाला में से ऊ अगर निकाल दो तो वो टू को लगा दो तो वो हो गया दीर्घ टू, और अगर दीर्घ ओ लगा दो तो वो हो गया छो, ओ और ऊ को छ और ट से लगा दो तो हो गया छोटू, मतलब छोटू। इतना छोटे नाम को तू इतना बड़ा बना दे, कैसे हो सकता है? रिक्शे वाले का यही नाटक होता है, उनके पास छुट्टा होता ही नहीं जब तक। सुनो युक्ता, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। ए भाषा की इज्जत करो यार, और इंसान को भी इज्जत देना सीखो। तुझे व्याकरण नहीं आता, यू फूल। फूल मतलब स्विमिंग पूल है? तेरे पास छुट्टा नहीं था तो रिक्शा निकाला क्यों? निकाला नहीं चाहिए। अबे फूल मतलब तैरने वाला, स्विमिंग पूल नहीं तो क्या मतलब? पागल, मेरे को बहुत लोग उल्टा सीधा बोलता है लेकिन पागल नहीं बोला कोई। कितना टाइम लगेगा, जल्दी बोल, मुझे और भी काम है। मॉडर्न जमाने में जो इंसान कम जानकारी रखता है उसे ही फूल कहते हैं। मेरे पास क्वार्टर है, समझ में, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बात करते हैं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। अरे मेरे से बात करना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना। समाज का मतलब सोसाइटी। गणित शास्त्र प्रकार में सोसाइटी इज इक्वल टू लोगों पर राज करने वाला बाय लोगों की सुनने वाला। राज करने वाला समा समा है जुहाना जुहाना, बहुत अच्छा गाना गाया ना हीरोइन ने। अरे मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ यार, क्वांटिटी। भौतिक शास्त्र प्रकार में लोगों पर जो कंट्रोल करता है उसे राजा कहते हैं। राज करता है भगवान, भगवान भगवान ही राज करता है। करेक्ट। तुम घर में जाके छुट्टा लेके आओ। हाँ, तू हमेशा पीता रहता है, कभी मंदिर नहीं जाता क्या? नहीं। भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ये तू नहीं जानता, तो तेरी जिंदगी क्या है? ये मेरे को कितना टॉर्चर कर रहा है, मैं तेरे को झेल नहीं सकता। चल जा अभी। चलो युक्ता, इस बेवड़े के क्या मुँह लगना। हेलो हेलो हेलो, मैं क्यों काम नहीं करता तेरे को पता होना मांगता है? मेरे पिताजी मेरे को हिंदी मीडियम में पढ़ने को बोलता है, फिर सॉरी बोलते है। और माय मॉम, मेरी पढ़ाई को लेकर दोनों में बहुत मच होता था, उनके मचमच से मेरा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए मैं एक गली में घूमता रहता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, समझा? एक बार बता, मैं कब से सुन रहा था छोटू का घर, मंदिर, पूजा, समाज, पापा, तू दिमाग वाला हो गया और मैं पागल हो रहा हूँ? जितना तेरे पास दिमाग है उतना मेरे पास भी दिमाग है। एक फूल में कितना पैक बनता है पता है? एक हाफ में कितना पैक बनता है मालूम है? क्वार्टर में कितना पैक बनता है मालूम है तेरे को? एक पैक कितने का मिलता है मालूम है तेरे को? कोई बात नहीं, एक पैक में वाटर मिलाने पे क्या टेस्ट बनता है मालूम? सोडा मिलाने से क्या टेस्ट बनता है मालूम तेरे को? सीक्रेट बताऊं तेरे को? एक पैक पीने वाले को क्या कैपेसिटी होती है मालूम है क्या तेरे को? असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? 100 रुपए दे ना यार। ये 500 ले, 400 वापस दे। Oh, 500, no change, no problem. तेरे लिए 5 times भगवान से प्रार्थना करूंगा। Bye. चलो, बच गया बेवड़े से। ए भगवान, इस पापी को 5 times माफ करना भगवान। इसकी रेंडरिंग हो जाने दे, उसके बाद देखना। अगर ये बर्थडे गिफ्ट मैं युक्ता को दूंगा तो पक्का मुझे माफ करेगी। थैंक्स यार, सी यू, बाय 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 बाय। अजय सर बुला रहे हैं। आता हूँ, चल। हेलो सर। हाय, सिट। हाय, थैंक यू सर। बताइए सर, ये क्या चल रहा है? कल तुम्हारे साथ रोड पर लड़ाई हो रही थी और आज तुम्हारे साथ ऑफिस में बैठकर आराम से बात कर रहा है? कुछ नहीं सर, बचपन में उसने एक लड़की का वीडियो कैमरा चुरा लिया था।
अब वो उसी लड़की से प्यार करता है। अब उन दोनों के बीच में पैचअप करने के लिए मैं ही साथ दे रहा हूँ सर। कल उस लड़की का बर्थडे है सर। उस लड़की के माँ का एनिमेशन वीडियो बना के गिफ्ट देने वाला है। मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, यू डूइंग अ गुड जॉब। प्यार को प्यार करने से प्यार बढ़ता है, प्यार से नफरत करने से प्यार खत्म हो जाता है। अगर तुम प्यार की हेल्प करोगे तो भगवान भी तुम्हारी हेल्प करेगा। यू लाइक अ गॉड अजय। आपको भी अच्छा लगा सर। विश हिम ऑल द बेस्ट। ओके सर, डेफिनेटली चलता हूँ सर। तुम सच में बहुत ग्रेट हो चंद्रा। युक्ता की माँ को उसे सरप्राइज के तौर पर लौटाने का यह थॉट सुपर्ब है। युक्ता की माँ की एनिमेशन वाली डीवीडी, ये लो, इसे उसे दिखाओ एंड प्रूव योर लव। थैंक्स आशीष। शो ऑल द बेस्ट। छोटू नहीं होता तो मैं ये सोचकर चलता रहता कि तू कब फंसेगा। तेरे ये डीवीडी देने से पहले तू ही छोटू है, मैं ये जाकर उसे बता दूंगा। तब तेरी क्या हालत होगी बता। वैसे तूने ये सोचा कैसे? एनिमेशन स्टूडियो का ओनर मैं हूँ, पर मैं ये कभी सोच नहीं पाया मेरे स्टूडियो में आकर मेरी होने वाली बीवी को इम्प्रेस करने के लिए मेरे एम्प्लॉय को यूज कर रहा। तू बहुत शाना है क्या? ये कैसा लग रहा है पता है? मेरी गाड़ी में मुझे टोपी पहनाकर, मुझे ड्राइवर बनाकर मेरी बीवी को हनीमून पर ले जाने का प्लान बना रहा है तू? ये तो वो भगवान देख रहे हैं जिन्होंने इस टाइम पे मेरी हेल्प कर दी। पर अब तेरी हालत देखने लायक है। चल डीवीडी वापस कर, मैं इसे बर्थडे गिफ्ट दूंगा। अबे तू क्या देगा? तेरे बताने से पहले मैं ही युक्ता को बता दूंगा कि मैं ही छोटू हूँ। चल जा। मैं जानता था कि तू यही बोलेगा। लेकिन युक्ता को सिंगर बनाने का सपना उसकी माँ ने देखा था जो तू पूरा करने वाला था। कर पाएगा? अब तो तेरे बोलने पर भी युक्ता तेरे एल्बम में गाना नहीं गाएगी। उसकी माँ की यादों के साथ उनकी चाहत को भी खत्म कर देगा। मेरी एल्बम फिनिश होने तक मैं छोटू हूँ ये बात प्लीज उसे मत बताना। उसके बाद युक्ता की जिंदगी से मैं अपने आप निकल जाऊंगा। प्लीज। वेरी गुड, कीप इट अप। ए छोटू, हैप्पी एनिमी डे। ये एक सॉन्ग बन जाए तो एल्बम कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं ये ट्यून क्यों नहीं बन रही। युक्ता को तुझे बर्थडे का विश कर देना चाहिए। हेलो, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे युक्ता। थैंक यू आशीष। आई हैव अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। वो क्या है बताने का क्या फायदा? सरप्राइज है तो मॉर्निंग में दिखाऊंगा। ओके, आई विल टॉक टू यू टुमारो। चल फिर ठीक है, कल मिलता हूं। टेक केयर, बाय। कल कहेंगे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? फोन करके विश नहीं कर सकते क्या? मेरे पिताजी ने एकदम सही कहा था, इस पर भरोसा ही मत करो। मैं अब
प्रवेश के लिए इसके कॉल का इंतजार कर रही हूँ। ये क्या है? सरप्राइज गिफ्ट बोल के खाली हाथ आया हूँ, ये सोच रही हो क्या? डोंट वरी, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और ज्यादा देर मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा। गेट रेडी फॉर द सरप्राइज। वो मिल गया है छोटू। पागल हो क्या? मुझे बर्थडे विश करने का थोड़ा भी सेंस नहीं है क्या? वो बात नहीं है युक्ता। बात मत करो। मैं पूरी रात तुम्हारे कॉल का वेट करती रही। यू स्टूपिड इडियट रास्कल। तुम्हें क्या पता? मैं 12 बजे से तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रही थी। कितनी एक्साइटेड थी मैं तुम्हारी कॉल के लिए पता है? मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल बर्थडे तुमने इस तरह से मिस कर दिया। अब तुम कुछ बोलोगे या मैं ही बोलती रहूं? वो है छोटू का घर। हेलो, बाकी पैसा मैं अपने बेटे के यहाँ से भेजता हूँ भाई। अंकल छोटू है वो क्या? अंदर है बेटी। ए छोटू, देख तुझसे कोई मिलने के लिए आया है। हाँ बोलो। युक्ता आ गई। ए छोटू। अबे वो नाम मत ले तू, डर के मारे मेरा दिल बाहर आ जाएगा। ये तू कैसी बात कर रहा है? छोटू नाम गलत है क्या? अरे गलत नहीं है यार, मैं ही छोटू, मैं ही वो बदनसीब छोटू हूँ। लेकिन उसकी लिस्ट में मैं छोटू नहीं हूँ, मुझे छोटू नहीं होना चाहिए। ओके ओके, छोटू चंद्र है। छोटू नहीं चंद्रा। हाँ, ओके। छोटू नहीं चंद्रा। छोटू नहीं चंद्रा। तो खुद मुझे मार डालेगा। पनौती पनौती है तू, एक नंबर का। छोटू में छोटू। ओके अब सेफ है। बेल कब से बज रही है? तू डोर खोल सकता है ना छोटू? भाभी उस नाम से मत बुलाना। तेरा नाम छोटू नहीं है क्या? फिलहाल तो मुझे मत बुलाना इसको। हाँ। क्यों छोटू तुझे क्यों नहीं बुला सकती? वो बहुत बड़ा फ्लैशबैक है भाभी, मैं बाद में बताऊंगा। मेरा क्या फायदा? क्यों एक्सप्लॉइट कर रही हो भाभी? अपनी दुश्मनी बाद में निकालना। ये लो जितने पैसे हैं सारे के सारे ले, और प्लीज मुझे छोटू मत बुलाना। थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लो भाभी प्लीज। दरवाजा तो खोल बाजी। तू कहाँ जा रहा है? मैं हूँ बाजी, मैं हूँ, मैं हूँ। It's shocking. तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ पे? छोटू भी तुम ही हो? क्या? मैं छोटू कैसे? तो फिर छोटू कहाँ है? ओ, मेरा कजिन मुकुन भी तो छोटू है, बचपन से जो हमारे साथ है वही छोटू। ओ नो, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो छोटू? माय गॉड युक्ता, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम हटो। वो कहाँ है? बुलाओ उसे। यही है ना? तू कहाँ छुपा था? तुम जिसे ढूंढ रही हो बाजी, जी जा 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 छोटू। इडियट रास्कल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ पता है? तू मेरा कैमरा लेके क्यों भागा था? तुझे याद भी है मेरा कैमरा था? बता कहाँ है मेरा कैमरा? इतनी देर से मैं पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ, बात क्या कर रहा है? अरे ये कैसे बोलेंगे, ये बोल थोड़े ना सकते। बचपन में तुम पर इसने अन्याय किया ना, इसलिए भगवान ने इसे ऐसा बना दिया। मतलब ये गुंगा है, बोल नहीं सकता क्या? तुम शांत हो जाओ। कहाँ है इसका वीडियो कैमरा, कहाँ है बता? अरे ये छोटू कैसे बोलेगा? जो कुछ भी तुझे बोलना है वो तू खुद बता। ये क्या बोल रहा है, कोई मुझे बताएगा? छोटू टू मच कर रहा है भाभी, मैं से जान से मार दूंगा। ये कब से क्या बोल रहा था? मुझसे तो बात कर सकता है ना? मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ो इसे। अब मैं देखता हूँ। मैटर सीरियस है, तू यहाँ से भाग जा। हाँ युक्ता, कैमरा कहाँ छुपा कर रखा है याद करना। चल भाग जा। छोड़ो ना उसे। कहाँ जा रहा है? मेरा कैमरा मुझे वापस दे। वो छोटू है पता चल गया ना, अब तुम्हारा कैमरा ढूंढ कर लेना, ये मेरी जिम्मेदारी ठीक है ना? ओके। वो बाजी ऐसे भागते भागते क्यों गया भाई? वो छोटू नहीं है क्या? वो कहाँ? ये है छोटू। तू मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मेरे इमोशंस के साथ खेलेगा, तुझे क्या लगता है तुझे कोई पाप नहीं लगेगा? अरे
कौन हो तुम? मेरे बेटे को क्यों मार रही हो? क्या किया इसने? एक लड़की एक लड़के को मार रही है, वो सर झुका के मार खा रहा है, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि उसने कुछ गलती की होगी? इसे मार खाता देख आप दोनों लोग सवाल पूछने आए हो। मेरा क्या, इसने जिसे मेरी लाइफ से दूर किया है वो तो मेरा हालचाल पूछ भी नहीं सकती। तूने मेरी माँ को दूर करके मुझे रुला दिया, बहुत दुख दिया। मेरे साथ साथ घूमकर मेरे इमोशंस के साथ भी खेलता रहा। I hate you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, dear Yuktha, happy birthday to you, happy birthday मेरी प्यारी बच्ची। That was my surprise gift, but this is my real gift. My real friend Ashish, मैं तुम्हें कैसे thanks बोलू समझ नहीं आ रहा। I just need one thing, तुम इसी तरह हर वक्त हंसती रहो, खुश रहो। I am proud of you, my boy. Thank you, uncle. हाँ चंद्रा, ट्यून रेडी हो गई क्या? ट्राई कर रहा हूँ सर। बहुत देर हो रही है, जल्दी गाने तैयार करो। ओके सर। तुमने मेरी माँ को दूर करके मुझे रुला दिया, बहुत दुख दिया। मेरे साथ साथ घूमकर मेरे इमोशंस के साथ भी खेलता रहा। I hate you. मैंने आपकी यादें युक्ता से दूर करा के उसे बहुत दुख दिया। जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई और वो कितनी बड़ी गलती थी इसका मुझे अब एहसास हो रहा है। युक्ता से दूर होकर मैं प्यार में फेल हो गया, लेकिन युक्ता को सिंगर बनाने का प्रॉमिस फेल नहीं होना चाहिए। कैसे करूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरी सॉन्ग मैं कर नहीं पा रहा हूं, अगर बना लूं तो मैं गा नहीं पाऊंगा। मेरा प्यार जीत जाए इसलिए नहीं मांग रहा हूं, आपका आशीर्वाद पाने का एक मौका मुझे दिलाइए। प्लीज हेल्प मी। माँ के साथ गाना गाते गाते ये बहुत अच्छा गाने लगी है। इतना सुबह सुबह फोन कर दिया? ट्यून रेडी हो गई। ओ वेरी गुड, 10 बजे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच जाओ तुम। श्योर सर। अंकल मैं चंद्रा बोल रहा हूं।
बोलो चंद्रा। आई एम रियली सॉरी अंकल, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड बट यू नो। कोई बात नहीं अंकल, आप छोटी सी मदद कीजिए, फाइनल ट्यून रेडी हो गई, युक्ता को किसी भी तरह बुलाकर गाना गवा दीजिए, एल्बम फिनिश होते ही वो सिंगर बनेगी। मेरी दुश्मनी की वजह से उसको अपनी माँ की चाहत को नहीं ठुकराना चाहिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट चंद्रा। थैंक्स अंकल। युक्ता, चंद्रा वॉज जस्ट अ पासिंग क्लाउड, फॉरगेट हिम। ठीक है, लेट्स चेंज योर मूड, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बेटी युक्ता, लास्ट सॉन्ग भी बनकर तैयार है, 10 बजे तुम्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे पहुंचना है। डैडी आप मत बोलिए, मैं उसके साथ गाना नहीं गाऊंगी। उसके साथ गाने के लिए कौन बोल रहा है, तुम अपनी माँ के लिए गा दो प्लीज। युक्ता, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई क्या? सर आप भी यहाँ? मैं वो ऐसे। सर 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 आप मत बोलिए, मैं सब समझ गया सर। अजय हम कल बात करते हैं, चलो युक्ता। सर 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 मुझे बोलने दीजिए सर, उस दिन ऑफिस में प्यार के बारे में आपने कितनी अच्छी बात कही थी सर। प्यार को प्यार करोगे तो प्यार बढ़ेगा ही, प्यार से नफरत करोगे तो प्यार टूट जाता है। प्यार करने वालों को मिलाने का मतलब है एक मंदिर बनाने जैसा। सर आप सच में भगवान है। मैं ये सोच रहा था कि चंद्रा क्या करे जो युक्ता खुश हो जाए। आपने कर दिया सर, युक्ता आ भी गई और गा भी दिया। यू आर ग्रेट सर। इट्स ओके। सर 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 रुकिए ना सर, आज की डेट में हॉस्पिटल में फल बांटने वाला ऐसे बिहेव करता जैसे आजादी उसने दिलाई हो। और एक आप हैं सर, अपनी बड़ाई सुनना नहीं चाहते। राम जी की अंगूठी सीता जी को हनुमान ने दी थी सर, वैसे ही चंद्रा की डीवीडी आपने युक्ता को दी ना सर। क्या काम किया सर। तेरी स्वामी भक्ति मुझे फंसाएगी बे। ए युक्ता, तुम्हारी माँ की यादों को एनिमेशन वीडियो में दिखाने का थॉट या तुम्हारी माँ के द्वारा तुम्हारा बर्थडे विश करने का थॉट चंद्रा का है, मैंने कुछ नहीं किया। ये पूरा क्रेडिट सर को मिलना चाहिए। और क्रेडिट सर, सर इनकी प्रेम कहानी के आप हीरो हो सर। युक्ता सर रोबिन हुड जैसे हैं। तुम पागल हो गए क्या? ये क्या सर, वो लड़की पागल हो गई क्या? अरे वो पागल नहीं है, तो जैसे पागल पे भरोसा करके मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिन खराब हो गया। मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हे भगवान, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। पूरी दम जरा एडजस्ट करना।